जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, और आप सभी लोगों को मैं सॉरी कहना चाहूंगा। 10 मिनट लेट हूं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। बड़े ही आ रही है, कई सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया है। बड़े ही दिनों बाद आप सभी लोगों के साथ लाइव जुड़ने का मौका मिला है। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो अपलोड की है, खास करके कुछ एक घंटा पहले या 1 घंटा 30 मिनट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, बिल्कुल 8 मिनट की वीडियो है, जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो पर मैंने रिएक्ट किया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज चैनल पर जाकर देख ले, ताकि उसकी रीच बढ़े और हमारे जो मोमिन भाई है, हो सकता है उनके जहन खुल जाए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। और एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि हमारा ये चैनल किसी के लिए हेट फैलाने के लिए नहीं बनाया गया है। जितने भी मोमिन भाई हैं वो सब हमारे दोस्त है, भाई है, बल्कि हम जो इस वीडियोस में या स्ट्रीम के जरिए से सवालात लाते हैं, ये हमारे एतराज है। हम अच्छे अंदाज से अपने सवाल रखते हैं। अगर कोई मोमिन भाई या कोई आलिम या कोई मुफ्ती साहब उन एतराज के जवाब दे दें, और अगर वो जवाब तसल्ली बख्श हो और सही हो, लॉजिकल हो, तो हम डेफिनेटली उस एतराज को, उस अपने सवाल को हम लाइव कहेंगे कि ठीक है, ये हमारा जो एतराज था वो गलत था, आपने हमें समझाया, अब हम इसको मानते हैं। दोस्तों, 203 लोग जुड़े हुए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एक चीज मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत से क्यों निकाला, यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से क्यों निकाला, और क्या फरिश्ते भी आलिमुल गैब होते हैं। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारे दिल अजीज एक्स मुस्लिम समीर साहब। वही इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, और उसके बाद उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये स्ट्रीम को ओपन भी कर दूंगा, ताकि हमारे जो मोमिन भाई है जो इनके इस एतराज पर जवाब देना चाहते हैं वो लाइव में जुड़ सकते हैं। और आपको टॉपिक पर रहकर बात करनी है, सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ, स्ट्रीम में लेता हूँ हमारे एक्स मुस्लिम समीर साहब को। एक्स मुस्लिम समीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं साहिल आप, और कैसे हैं सभी दोस्तों? मैं हूं आपका अपना भाई एक्स मुस्लिम समीर, और वेलकम करता हूं सभी लोगों को हमारे प्यारे टॉपिक में। तो बने रहे हमारे साथ, आज बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे से होंगे। समीर साहब, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो मुहिम है, जो मूवमेंट है, उसमें कई सारे लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट आज के इस स्ट्रीम से ये करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस को देख कर या फिर हमारे वीडियोस को नहीं, बल्कि आपकी अपनी रिसर्च के मुताबिक आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आए और इस चैनल पर अपना इंटरव्यू दें, बताएं कि ऐसी क्या बातें हुई थी, क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे आपने इस्लाम छोड़ दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर एक्स मुस्लिम बना है या है, तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। मिर्जा गालिब भाई को मैंने लिंक दे दिया है डिस्कॉर्ड पर, तो वो जुड़ सकते हैं। समीर साहब, क्या है पूरा माजरा आज के टॉपिक पर क्या दलीलें हैं और क्या एतराज है आपके, प्लीज आप स्टार्ट करिए। और उससे पहले मैं
वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे बड़े ही अजीज मोहतरम मिर्जा गालिब साहब का। इस्तकबाल है आपका। हाँ भाई, काफिरों क्या हाल चाल है? जी हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी अभी तक जिंदा बचा हूँ। जिंदा बचे हो और उम्मीद है कि जिंदा ही रहोगे, क्योंकि हम सिर्फ सवाल करते हैं और किसी को सवाल पर कत्ल कर देना, यानी आप सोच लीजिए कि आप इस्लाम का क्या हाल, यानी क्या चेहरा पेश करोगे। एक्स मुस्लिम समीर साहब, आप अपनी बातें शुरू करें और उसके बाद फिर गालिब भाई को उसमें कुछ ऐड करना होगा पॉइंट, या मुझे कुछ ऐड करना होगा तो हम उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम फिर कॉलर्स लेना स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, और वेलकम, खुश आमदीद आपका गालिब साहब। मैंने सुना है आप 4-5 किलो ईमान इकट्ठा करके लाए हैं, तो 1-2 किलो मुझे भी पार्सल कर दीजिएगा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप आगे और बांटिएगा थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ये एक्चुअली एक बहुत ही मजेदार कहानी है, इसको कहानी कह सकते हैं, जो कि मोहम्मद साहब ने सुनाई थी कुरान के ज़रिए। और कुरान में तकरीबन 7 से 8 जगह जो है किश्तों में इसका जिक्र बार बार आता है, इस किस्से का जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो ये जो किस्सा है पूरा का पूरा, वो अहादीस और कुरान के ऊपर मबनी है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं करेंगे ना रखेंगे, ताकि कोई भी अगर मुस्लिम आना चाहे हमसे रेफरेंस मांगे तो डेफिनेटली उनके पास रेफरेंस ऑलरेडी पहले से हो। तो हम अपनी पूरी बात सिर्फ कुरान और अहादीस के ही तौर पे रखेंगे। तो अपनी बात को शुरू करने के लिए साहिल भाई, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की वर्स नंबर 30 आप ओपन कर लें, ताकि हम अपनी बात को स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, मैं वो स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं और हमारे एक प्राउड काफिर जी हैं जो आपके काफी अच्छे फैन बन चुके हैं, लिख रहे हैं कि माय सपोर्ट विल ऑलवेज देयर विथ यू साहिल समीर, आई लाइक योर स्टाइल मिर्जा साहब, आपकी उम्र लंबी हो सरकार, हैप्पी न्यू ईयर। यस गाइस, आई एम रियली सॉरी, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दोस्त आर लिसनिंग लाइव, जो लाइव देख रहे हैं और जो इसके बाद भी वीडियो देखेंगे, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और सभी को हमारे हैप्पी न्यू साथ ईयर मेरी तरफ से भी, हैप्पी जी मसूद भी है जो न्यू ईयर हैप्पी टू, ईयर कह रहे हैं, और वेलकम, खुश गालिब आमदीद भाई मसूद साहब। जी। खुशामदीद खुशामदीद, कैसे हैं आप लोग सब? मिर्जा भाई कैसे हैं आप? गालिब भाई बिल्कुल भाई, सब ठीक ठाक सर, देखो एकदम नए मस्त। साल की बधाई ना तो मैं दूंगा और ना मैं लूंगा, क्योंकि ये मेरा नया साल है ही नहीं। मेरा नया साल मुहर्रम से या किससे शुरू होता है समीर भाई, बताना जरा आप, मैं भूल गया थोड़ा सा। मुहर्रम से ही शुरू होता है। एक मुहर्रम से हाँ, क्योंकि मैं जी, कट्टर धागा दांत वाला ईमान वाला हूँ। ये देखो क्या अच्छा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है, डीकेएस भाई कह रहे हैं कल गालिब साहब ने रफी को दांत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे चलो भाई, अच्छा वो बहुत देर से इतना झूठ पे झूठ, अंधाधुंध झूठ, नॉन स्टॉप झूठ बोले जा रहे थे। मैंने कहा बस कोई दिक्कत नहीं है, कितना, एक कांटा 5 किलो झूठ छोड़ बोले थे या 2 किलो या 10 किलो झूठ बोला था उन्होंने? टन में बोले होंगे, दरअसल टन में। वो झूठ की फूंक से वो एक गुब्बारा था उसे बढ़ाते हुए जा रहे थे। मैं सोचा हाँ जाके स्विच उठा के चला आता हूँ, गया मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं बोला होऊंगा। उसके बाद से तो बंदा भाड़ में जाए, मोहम्मद रफी गाय सिंगर, और अच्छी बात है तुम ऐसा बोल के मेरे सामने पड़ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो गया। मैंने कहा बंदा अपने आके बात करेगा, अब लोग सुनते रहो, मैं चला, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खैर डाउन वो थी। नहीं, कैसा होता है ना गालिब भाई, वो एक जज्बात होता है, हम भी ऐसे ही थे। चुलबुल भाई का मैसेज है और ये मैं कहना भूल गया था, शुक्रिया चुलबुल भाई। समीर भाई का जो चैनल है वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट वो लेके आते हैं और ये लिंक ऑलरेडी चुलबुल भाई ने उसको शेयर किया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी फिर से शेयर कर दूंगा। और सच वाला जी पार्ट 2
भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इन्होंने 2 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया है। कह रहे हैं सभी भाई लोगों को नमस्ते, आपको भी नमस्ते सचवाला टू जी। और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो एक्चुअल टॉपिक है उसको शुरू किया जाए। समीर साहब, आपने कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 30 लाई जाए स्क्रीन पे, आपके सामने है, क्या कहना है इस पर? और इसके अलावा मैं और एक चीज कह दूं कि मैं वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि स्वीटी जी सुन रही हैं, थोड़ा मुझसे नाराज है, तो स्वीटी जी आपकी नाराजगी को आप दूर कर लीजिए और प्लीज 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 आप कमेंट में आए, क्योंकि आपके आने से बाहर आ जाती है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट। जी समीर साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, तो पेश खिदमत है चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 30, जहां से कुरान का जो कहने वाला है, कुरान का जो अल्लाह है, वो अपनी बात को शुरू करता है और एक टॉपिक को शुरू करता है और कहता है कि याद करो वो दिन जबकि हमने आदम का एक मिट्टी का पुतला बनाया था और हमने सारे मलाइका को हुक्म दिया कि वो उसको सजदा करें। हालांकि सारे मलाइका ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने नहीं किया। तो जब अल्लाह आगे की वर्सेस में पूछता है इबलीस से कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया, तो वहां पे इबलीस कहता है कि मैं एक जिन हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यही कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वो कहता है कि मैं एक जिन हूं जो आग से, जिसकी खलकियत तूने जो है आग से की है, और ये आदम है जिसको तुमने मिट्टी से बनाया है, तो मैं इससे अफजल और बेहतर हूं, मैं इसको सजदा क्यों करूं, इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि वो मुनकिरों में हो गया और काफिरीन में शुमार हो गया, और अल्लाह ने उसको अपने से दूर कर दिया और कयामत तक के लिए उसके ऊपर लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। इसके बाद में हुक्म होता है आदम को और हव्वा को कि तुम जाओ जन्नत में, जो है ना, आजादी से रहो, जो मर्जी वो चाहो वो खाओ, जो मर्जी वो करो, लेकिन एक खास दरख्त है उसका फल ना खाना। लेकिन शैतान जो है वो बड़ा गुस्से में था उस वक्त, क्योंकि आदम की वजह से अल्लाह ने उसको निकाल दिया था। बल्कि कुछ रिवायतों में भी आता है कि ये इतना बड़ा इबादत गुजार था कि अपनी इबादत के जरिए इसने जो है ना वो अहदा हासिल किया था कि ये सब फरिश्तों का सरदार इसको अल्लाह ने मुकर्रम किया हुआ था, यानी कि सारे मलाइका का सरदार था। तो इससे वो भी छीन लिया और इसको निकाल दिया, तो ये इस बात से गुस्से में था। तो इसने ये इरादा किया कि मैं आदम को बहका दूंगा ताकि वो अल्लाह की नाफरमानी करे और फिर उसको जन्नत से निकलवा दूंगा। तो शैतान बड़ा पावरफुल है, जैसा उसने इरादा किया अल्लाह की मर्जी के ना मर्जी के बावजूद भी जन्नत में दाखिल हुआ और उसने बहकाया, वसवसा डाला, और आदम ने जो है ना वो फल खा लिया। तो इसकी सजा के तौर पर अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया और उनको जो है जमीन, जो कि अल्लाह ने 7 दिन में 7 जमीन और आसमान बनाए थे, उनके अंदर इनको भेज दिया गया और आगे इनकी नस्ल इसी से चली। इस स्टोरी से, इस कहानी से हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन आज असल में हम इसके मुतालिक जो आयतें आई हैं कुरान के अंदर, जो बातचीत हुई हैं, उनके कॉन्ट्रडिक्शन पे आप लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, तो एक एक आयत पे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, अगली आयत पे जाने से पहले मैं चाहूंगा लोग इस पे सोचें कि इस आयत में आदम के साथ जो प्रैंक किया गया है, बाद में अगर अल्लाह ने फिर से यही प्रैंक कर दिया ईमान वालों के साथ, फिर क्या होगा? कौन सा प्रैंक? अरे भाई, जन्नत में भेज निकालने का एक किया, उसको खाली लिए उठा के बाहर ही फेंक दिया। दोबारा हो गया, फिर क्या करेंगे ये लोग? अलग ही दुनिया बना दिए बोला बाद में तो। कहाँ से लेके आते हो गालिब भाई, ऐसे सब जो स्टेटमेंट्स है आपके, कहाँ से लेके आते हो? अरे भाई साफ दिख रहा है, लाना क्या है तुम्हें? बंदे को जन्नत जन्नत भेजते हैं, वहां एक पेड़ खड़ा कर देते हैं और बोल देते यही वाला फल तुम्हें नहीं खाना है, ठीक है, और उसको एक बीवी भी दे देते हैं, जाके वो खा लेती, वो नहीं तो आदम खा ले, कोई भी खा ले, उठा के दोनों को बाहर। अगर यही प्रैंक फिर हो गया ईमान वालों के साथ, फिर क्या होगा? क्या होगा? सही, वो तो अब ईमान वाले ही जवाब देंगे।
समीर साहब आगे बढ़िए आप। बोलेंगे बोलेंगे इस बार नहीं जाऊंगा मैं, इस बार तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारे दादा आदम चले गए थे, कोई बात नहीं, वो शरीफ इंसान थे। हाँ अच्छा गालिब, गालिब भाई मेरे को एक बार, साहिल भाई आप भी बोलना क्या, आपका समझो हाथ में, अक्सर बहुत लोगों को होती है 6 उंगलियां होती है कुछ कुछ लोगों को हाथ में, तो बोले आपको कि यार आपकी हाथ में 1 उंगली ज्यादा है, इससे मैं आपको एक दूसरी बीवी बना के देता हूँ। तो आप बोलेंगे अबे साले, आप क्या बोलेंगे उसको? मतलब क्या 6 उंगली, एक उंगली अरे ज्यादा है? हाँ, 1 उंगली ज्यादा है आपके हाथ में, जैसे वो एक रीढ़ की हड्डी ज्यादा थी तो उसे अल्लाह ने निकाल के उसे क्या हवा, बोलते हजरत हैं, हवा को हवा को बनाया। बना दिया, वैसे ही आपकी एक समझे एक्स्ट्रा उंगली है, तो एक्स्ट्रा हाँ उंगली को निकलवा के वो बोले कि मैं इससे तुम्हें और एक बीवी बना के देता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं चाहिए। भाई रहने दे यार, काहे को काटना है। मैं समझता हूँ मसूद साहब कि इससे हमारा जो टॉपिक है ना वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अच्छा टॉपिक्स हम अच्छा कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में, तो वन बाय वन हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समीर साहब तो आगे बढ़िए अपनी आप। बात को, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा साहिल साहब से कि जी ये जो वर्स नंबर 30 है इसका जो सिर्फ हाँ तर्जुमा है वो एक बार हाँ आप बा आवाज़े बुलंद पढ़ दें। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। इन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और किश्त व खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह व तकदीस करते रहते हैं। तकदीस है या तकरीस है? खुदा ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जी, इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए तो इंग्लिश नहीं ट्रांसलेशन नहीं भी सिलेक्ट काफी कर है, लेते हैं, या अगर किसी को ये इंग्लिश काफी देखना है। है तो वो भी देख ले। ये देखिए, एंड मेंशन ओ मोहम्मद व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, इंडीड आई विल मेक अपॉन द अर्थ अ सक्सेसिव अथॉरिटी, दे सेड विल यू प्लेस अपॉन इट वन हु कॉजेस करप्शन देयर इन एंड शेड्स ब्लड व्हाइल वी डिक्लेयर योर प्रेस एंड सैंक्टिफाई यू। अल्लाह सेड, इंडीड आई नो दैट विच यू डू नॉट नो। जी समीर साहब, वेरी नाइस सर, वेरी वेरी नाइस। तो यहाँ पे मेरे एक सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, और वो ये है कि जब अल्लाह ने ये कहा कि मैं दुनिया के अंदर आदम भेजने के लिए अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने वहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, उसकी तारीफों के कसीदे नहीं पढ़े, बल्कि ये कहा कि ए अल्लाह, तू ऐसी मखलूक को बनाना चाहता है जो दुनिया के अंदर जाकर फसाद करेंगे, कत्ल बकवास करेंगे और दुनिया भर की बुराइयों में जो है शामिल हो जाएंगे, हालांकि तुझे बंदगी की क्या जरूरत है, परिश्ती की क्या जरूरत है, उसके लिए तो हम ही काफी फरिश्ते काफी हैं। तो यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं, एक तो फरिश्ते अल्लाह के फैसले को ललकार रहे हैं, नंबर एक चीज, यानी वो अल्लाह के फैसले को दबे तौर पे मानने से इनकार कर रहे हैं, उसके फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। और नंबर दो की चीज ये है कि फरिश्ते भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि उनको आने वाली बातों का इल्म है अल्लाह से ज्यादा। अगर फरिश्ते आलिमुल गैब हैं तो क्यों सिर्फ अल्लाह को ही आलिमुल गैब कहा जाता है? क्या फरिश्तों को भी इल्म है आने वाले वक्त का? और अगर नहीं है तो फरिश्ते किस इल्म के बेस पर या किस बिना पर यहाँ अल्लाह को ये कह रहे हैं कि तुम ऐसी मखलूक को बनाने जा रहे हो जो दुनिया के अंदर जाकर फसाद करेगी? अच्छा वैसे, और दिस इज द फसाद फर्स्ट क्वेश्चन। फसाद हो भी रहा है ना समीर साहब? बिल्कुल तो हो रहा उनकी है, जो बिल्कुल प्रिडिक्शन हो रहा हुई है। थी, उनका जो प्रिडिक्शन था, जिस भी बुनियाद पे, नॉलेज पे, या अल्लाह ने उनको बता दिया था पहले से ही, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल सही कि फसाद फसाद फैलाएंगे, और फसाद फैला रहे हैं, तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम थी ये बात?
तो इसके जवाब में अल्लाह ने क्या कहा उनको? अल्लाह ने उनको ये नहीं कहा कि तुम ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम कैसे मेरे खिलाफ बात कर। सिर्फ इतना कहा कि जो बात मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और वो बात क्या है, ये जब अल्लाह ने ही नहीं बताई तो हमें कैसे पता होगी कि आखिर वो बात क्या है जो फरिश्ते नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह जानता है। तो यहाँ पे इस दूसरे जो हिस्सा है इस आया का, उसमें ये बात भी साथ ही साथ साबित कर दी गई कि अल्लाह को ज्यादा इल्म है फरिश्तों से ज्यादा। लेकिन अगर आप, जैसे कि आपने अभी पहले रखा कि असल में जो बातें फरिश्तों ने कही थी वो बात सच हुई है और वो बातें आज दुनिया में देखने को मिल रही हैं। लेकिन खैर, हमारा ये नहीं है कि फरिश्ते ज्यादा इल्म वाले थे या अल्लाह। हमारा ये है कि एक ऐसी किताब और एक ऐसा दीन जो ये कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं, और सारे फरिश्ते हर वक्त उसकी इताअत में हैं, और जो उसकी इताअत नहीं करे यानी उसकी बात नहीं माने वो गलत है, वो काफिर है, और उसके लिए दर्दनाक अजाब है। जबकि अल्लाह के फरिश्ते ही अल्लाह की बात को नहीं मान रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भी मोमिन हमें सुन रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे पॉइंट्स, हमारे सवालात नोट करते जाएं, ताकि बाद में आके आप ये ना कहें हमें कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया। जी, अब बढ़ते हैं इसकी 31 की तरफ। इसकी 31 पे चले जाइए साहिल साहब। 31 पर जी, नेक्स्ट जी, नहीं आयत नंबर 31, ये 30 थी ना, 31 आपके सामने है। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों का के नाम सिखाए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। यह है इसकी अगली आयत जी। इसको पूरा पढ़ दें, इसका तर्जुमा पूरा पढ़ दें। पूरा ही पढ़ा है मैंने। एक चीज बता दूं, एक इरफान नाम के कोई मुफ्ती साहब हैं मेरे ख्याल से, वो बहुत पूछ रहे हैं, अरबी आती है ये क्या क्या पूछ रहे हैं, हो सके तो उन्हें ले ही लीजिएगा। जी जी, लेंगे उनको, ओपन डिस्कशन में लेंगे। सभी मोमिनों से रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली हम लोग आपसे बात करेंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले हमारे एतराजात आप पूरी तरीके से सुन लें, समझ लें, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप आइएगा और आप उनको, उनका दिफा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो 31 में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने आदम को कुछ नाम सिखाए, कुछ नाम उनको याद कराए, आलू मटर टमाटर भिंडी पालक पनीर जो भी कराया, कराने के बाद में फिर यहाँ पे बात खत्म हो गई कि उनको याद करा दिए कुछ नाम आदम को, कुछ नहीं है, सारे नाम लिखा है। जी हाँ, मतलब जो मलाइका के नाम थे उस वक्त, जो चीजों के नाम थे, जी जी, वो सब सिखा दिए। अब 32 पे चले जाइए। 32 पे जी, आगे 32। इन्होंने अर्ज किया, वो बोल उठे, आप ही की जात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते, हकीकत में इल्म व हिकमत के मालिक तो सिर्फ आप है। ये फरिश्तों का जवाब था। जी जी, वेरी नाइस। आदम को नाम सिखाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को सबको बुलाया और आदम को उनके सामने पेश किया, उसमें जान डालने के बाद। अलग एक वर्स है, वो दूसरे किसी चैप्टर में है, वो बाद में आगे आ जाएगी। उसमें ये है कि अल्लाह ने अपनी रूह आदम के अंदर डाली, अपनी रूह। हालांकि इस्लाम का और कुरान का ये दावा कि अल्लाह की कोई रूह ही नहीं है। अगर अल्लाह की कोई रूह है तो बींग हो गया, वो बींग हो गया, वो गॉड नहीं रहा, क्योंकि उसका एक वजूद हो गया, वो फिजिकल हो गया अगर उसकी कोई रूह है। तो वहां पे ये आता है साफ कि हमने अपनी रूह आदम के अंदर डाली। बट वो एक अलग टॉपिक है, अलग कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, उस पर बाद में बात करेंगे। तो करने के बाद फिर आदम को पेश किया फरिश्तों के सामने और उनको कहा कि तुम इन चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्तों ने वहां ये जवाब दिया कि आप ज्यादा जानते हैं हमसे, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आपने हमको इल्म दिया है।
इस आयत पे बात करने से पहले अब पिछली आयत के बारे में मैं एक टॉपिक एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा इस आयत के बेस पर। फरिश्तों का कहना है कि उनको सिर्फ उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ने उनको दिया है। तो उनका ये इल्म कि दुनिया के अंदर आप जिस कौम को बना रहे हैं वो फसाद मचाएगी, क्या ये भी उनको अल्लाह ने ही दिया था? क्योंकि जब ये कहा गया है कि सारा इल्म सिर्फ अल्लाह ने ही उनको दिया है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते जो नहीं दिया, तो वो जिस इल्म के बेस पे ये बात कर रहे थे, ये एतराज कर रहे थे फरिश्ते, तो जाहिर बात है कि अल्लाह ने ये इल्म भी अल्लाह ने ही उनको दिया था ताकि वो एतराजात करें, वो एतराजात करें। जी तो सवाल उसके क्या है इसमें मेरा सवाल ये है, क्या अल्लाह ने फरिश्तों को गलत इल्म दिया या अल्लाह से ज्यादा जानने वाले फरिश्ते थे? दोनों बातों में से किसी भी एक बात पर मोमिनीन आ सकते हैं। यानी कि अगर वो इल्म जो उन्होंने उन्होंने जिसके जरिए वो बात कही, वो अगर उनको अल्लाह ने ही दिया, तो जाहिर है कि अल्लाह ने फरिश्तों को गलत इल्म दिया, क्योंकि अल्लाह ये कह रहा है कि नहीं, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो उनको मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे जो सोच है, तुम्हारे जो इल्म है वो गलत है। अब वो गलत अगर इल्म है तो वो गलत इल्म उनको किसने दिया? अल्लाह ने। और अगर अल्लाह ने वो इल्म नहीं दिया उनको और वो फरिश्ते अपने इल्म से बोल रहे थे, तो इसका मतलब फरिश्तों के पास अपना खुद का भी इल्म है। फिर ये वाली आयत गलत है कि हम तो वही जानते हैं जो सिर्फ आपने हमें इल्म दिया। इन दोनों में से कौन सी आयत को जस्टिफाई करेंगे मोमिन, ये आप डिसाइड करके रख लें, ओपन डिस्कशन में बात रखिएगा। जी नेक्स्ट। अच्छा, नाजिया जी नाजिया खान कह रही है कि वो अब एक एक्स मुस्लिम है। नाजिया खान, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और मैं दावत देना चाहूंगा कि स्ट्रीम जब ओपन हो तो आप प्लीज ज्वाइन करके बताएं कि आप कभी एक्स मुस्लिम बनी और क्या मामला हुआ, थोड़ी सी अपनी दास्तान बताएं, ताकि जो हमारे मोमिन भाई सुन रहे हैं उसमें से जो लोग डरते हैं या सोचते हैं कि कहीं हम अकेले तो नहीं जो इस्लाम छोड़ने वाले हैं, तो उन्हें भी हिम्मत मिलती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब स्ट्रीम ओपन हो जाए तब आप प्लीज ज्वाइन करें और कुछ अपनी बातें रखें। नेक्स्ट आयत पर जाते हैं समीर जी, 33 पे। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, अल्लाह ने कहा, आदम तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो। चुनांचे जब इसने इनके नाम इनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे इस सब का इल्म है। जी। तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है इस आयत के अंदर कि जब अल्लाह ने आदम को उनके सामने पेश कर दिया तो उसके बाद में ये कहा कि फरिश्तों से, और फरिश्तों ने मना कर दिया कि हमें नहीं मालूम नाम के बारे में जो भी था एक्स वाई जेड, तो उसके बाद आदम को कहा कि अब तुम नाम बताओ, तो उसने नाम बता दिए। तो उसने बोला, तो अल्लाह ने वहाँ पर बोला कि देखो मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो चीज़ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते और मुझे ज्यादा इल्म है। तो यहाँ पे अल्लाह जो है अपनी बर्तरी साबित कर रहे हैं उनको चार नाम सिखा करके, या 10 नाम या जितने भी नाम सिखाए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई जैसे कि स्कूल में किसी बच्चे को कोई टीचर कुछ चीजें सिखाता है, कोई सब्जेक्ट सिखाता है, तो क्या उसको गॉड मान लिया जाएगा? क्या उसको खुदा मान लिया जाएगा क्योंकि उसने एक बच्चे को कुछ सिखाया? सिर्फ इस बिना पर खुदा अपनी बर्तरी साबित कर रहा है यहाँ। ये कितनी मजाक वाली बात है। ऐसे तो दुनिया की हर माँ को आप खुदा मान सकते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, तो क्या उसको उसको खुदा मान लिया जाए? और जहां तक नाम की बात है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मेरे घर में कोई कुत्ता या बिल्ली हो। जी समीर साहब, मेरा भी एक एतराज आप ले लीजिए कि वहां पे फरिश्ते सवाल करते हैं अल्लाह से कि तू ऐसी मखलूक या ऐसे शख्स को तू पैदा कर रहा है जो ज़मीन में फसाद फैलाएगा, उस पे अल्लाह कहते हैं कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल फसाद का है,
ठीक है, गौर से समझिएगा। जी सवाल जो जी है जी फरिश्तों का वो फसाद को लेकर है। रीजन क्या बताया उन्होंने कि क्यों बना रहा है जब वो फसाद फैलाएंगे। अच्छा, उस पे अल्लाह ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। ठीक है, अच्छा अब इस आयत में जो बिल्कुल अभी वाली आयत है इसमें जवाब फसाद का तो नहीं मिला है ना। जवाब तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अल्लाह ने नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने नाम बताने के लिए कहा, वो बता दिए। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं नहीं कहता था कि तुम नहीं जानते थे, तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। देखो अल्लाह ने कहा आदम तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो, चुनांचे जब इसने इनके नाम इनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन का भेद जानता हूं और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे इस सब का इल्म है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सवाल है कि फसाद फैलाएगा और यहाँ पे नाम बताने पे ये दोनों रिलेशन मतलब कैसे रिलेट कर हो सकता है। हेलो, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये, जी यानी यानी सबसे पहले जो सवाल पे जलेबी बनी थी या बात पे जलेबी बनी थी वो वहीं बनी थी। अच्छा हाँ, जलेबी बनने की सबसे पहली शुरुआत वहीं से हुई थी कि फरिश्ते बात कुछ और बोल रहे हैं, बंदा उस बात को साइड करके उनसे जबरदस्ती चिपक गया। मतलब अल्लाह खुद जलेबी बात साबित होता है यहाँ पर। हाँ देखो ना, बंद फरिश्ते बोल क्या रहे हैं और बंदा क्या बोल के उनसे चिपक रहा है जबरदस्ती। जी आगे वही बढ़ते हैं अगर थोड़ा। हाँ वही अगर फरिश्ते बोल दिए होते, हाँ वही अगर फरिश्ते बोल दिए होते कि अरे भाई कम अकल, अरे तू खुदा है तो ठीक है लेकिन कम से कम इतनी कम अकली मत दिखा, ये तो देख मैंने बोला क्या है या हमने बोला क्या है। नहीं, असल में इसका जवाब यूं होना चाहिए था, जब फरिश्तों ने जो वजह बताई अल्लाह को कि क्यों ऐसा आप बना रहे हो, दुनिया में क्यों भेज रहे हो जो फसाद करेगा, तो उसमें अल्लाह अल्लाह सुभान व तआला का या अल्लाह का जवाब ये होना चाहिए था कि आपकी नॉलेज कम है या आपकी सोच गलत है या आपका इल्म गलत है। देखिए मैं ऐसा इंसान बनाने वाला हूँ जिससे, क्योंकि बनाने वाला तो मैं खुद हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि उसको अच्छा बनाकर दुनिया में भेजता ताकि फसाद ही नहीं होता और फरिश्तों की बात का भी रद्द हो जाता। क्या ख्याल है समीर साहब? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा बस ये मिसाल दी जा रही है कि देखो ये ऐसा है कि जैसे मेरे घर में एक कुत्ता या बिल्ली है और मैंने, या तोता है, तोता समझ लीजिए, तोते को हम अक्सर नाम याद कराते हैं, तो हमने तोते को चार नाम रटा दिया, फिर हमारे घर में कोई मेहमान आया, हमने किसी को बुलाया और कहा कि भाई ये इन चीजों के नाम बताओ, तो उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं जानते इन चीजों के नाम, आप ही बताएं। और फिर मैंने अपने तोते को कहा कि मिट्ठू इनके नाम बताओ, अब वो फटाफट जो उसको रटा रखा है उसने वो बोल दिया, तो इसका मतलब कि मैं, मेरा तोता बेहतर हो गया इंसान से और मैं खुदा बन गया क्योंकि मैंने इसको चार नाम सिखाए हैं। ये कैसी बात है, मतलब कितनी मजाकी और कितनी बचकाना बात है ये, अब इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते जी। खैर चलिए सर आगे चलते हैं, कौन सी आयत पर जाना है, नेक्स्ट आयत? जी नेक्स्ट 34 है जो हमारी मेन है। जी और हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा करो, सो वो सब झुके मगर इब्लीस ना झुका, इसने इनकार और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आप अगर इस आयत का तर्जुमा सही से पढ़े हैं और सब लोगों ने सही से सुना है तो आप खुद गौर करें कि अल्लाह ने सजदा करने को किसको कहा? फरिश्तों को। और इस्लाम और कुरान के मुताबिक जो शैतान है, जो इबलीस है, वो कौन है? जिन है ना। जी तो जब सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को हुआ है तो शैतान भला सजदा क्यों करे? अब ये तो जवाब जो है हमारे मोमिन भाई दे सकते हैं कि फरिश्तों को हुक्म जी था बिल्कुल तो उसमें
अगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो उसकी क्या गलती, और अगर हुक्म बिल्कुल, क्योंकि सभी वो लोगों उसके को लिए था। हुक्म है ही नहीं। और इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है इससे पहले कि मोमिन भाई लोग कुछ जवाब दे, अगर हुक्म सभी लोगों के लिए था, फरिश्तों के लिए था, जिन्नों के लिए था या इब्लीस के लिए भी था, तो अल्लाह ने बताया नहीं, इनकम्प्लीट रखा अल्लाह ने अपनी बात। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया कि और फिर हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो, तो उन सब लोगों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अब जब आप हुक्म देंगे सजदा करने के लिए सिर्फ फरिश्तों को, तो एक जिन भला सजदा क्यों करे, उसने नहीं किया। उसने सजदा नहीं किया और अल्लाह ने जाके दो चार झापड़ उसे भी जड़ दिए कि नहीं, दो चार मैंने झापड़ में सजदा। मामला मामला खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता ना गालिब भाई। अब तो वो जो है उसकी उसको दो दो चार झापड़ दे के अगर अल्लाह सुधार देते या सजा खत्म कर देते तो कम से कम इंसान तो बच जाते ना। वो मोहलत नहीं लेता अल्लाह से कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, हम बच जाते ना कम से कम। अरे इतना अगर मेरे सामने कोई बोल दे यार दो से छोटा भाई तो वहीं गिरा के सिर्फ लात ही लात मारूं। हाँ हाँ कि अभी तो दो चार झापड़ मार के छोड़ रहा था, उल्टा तो और फालतू बोल रहा है। हाँ चैलेंज कर रहा है और अल्लाह को, हाँ इब्लीस कसम से तो उतने और तो चैलेंज कर सीढ़ी से रहा चढ़ है। के लात ही लात मारूं। कितनी बचकानी लगती है ये सब बातें सुनने में कि वो चैलेंज कर इतनी रहा है अल्लाह को। ये देखो ये स्टोरी यकीन मानिए बच्चों को भी सुनाने लायक नहीं है। हाँ बच्चा अगर सवाल पूछ नहीं है देगा, बच्चे भी। हाँ हाँ बच्चा अगर पूछ लेगा कि भाई ये सजदे का हुक्म हुआ था फरिश्तों को, आदम ने नहीं किया, आदम आदम ने नहीं को किया। फटने लग गया अल्लाह, तो अच्छा सॉरी एक सेकंड गालिब साहब, साहिल भाई साहिल भाई। हाँ मेरी आईडी को निकालें मेरी और साइड दूसरी को आईडी निकाले मेरी और नीचे है। दूसरी जी समीर साहब जी आवाज मेरी आ रही आवाज आ है। रही है? जी बिल्कुल। हाँ एक सेकंड रुकिए, मैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं सिस्टम पे आ हाँ गया ठीक हूँ। है जब तक गालिब भाई अपनी बात रख ले। जी गालिब भाई। मतलब हाँ सजदे का हुक्म था फरिश्तों को, इबलीस जो कि एक जिन्न था उसने नहीं किया सजदा, तो बच्चा पूछ लेगा कि जब सजदे का हुक्म फरिश्तों का था तो जिन्न क्यों करे। चलो ठीक है, उसके बाद जिन्न ये क्यों नहीं बोल रहा अपने मुंह से कि भाई मुझे तूने हुक्म ही नहीं दिया, उल्टा वो भी उलझने लग गया, ये सब चल क्या रहा है आखिर। हाँ उसे तो सीधा बोलना चाहिए था भाई तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया, लेकिन वो भी हाँ बेवकूफ। हाँ वो चैलेंज ले बैठा अल्लाह से। हाँ और यहाँ चैलेंज दिया भी जा रहा है, ये सब चल क्या रहा है आखिर, इतनी बेहुदा स्टोरी क्यों सुनाई जा रही है हम बच्चों को। अब वो तो हमारे जो मोमिन भाई जुड़े हैं अब वो ही बता सकते हैं क्या मसला है इधर, मामला क्या है। समीर साहब ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है आपका? जी हो चुका है सर। जी तो ये कुछ सवालात गालिब भाई ने भी अपने रखे हैं। बिल्कुल मैंने सुना और इनका जवाब भी है मेरे पास। जी अच्छा आपके पास जवाब भी है, मोमिन बन के जी जवाब देंगे या एक्स मुस्लिम बन के जवाब देंगे आप? नहीं, जो मैं हूं वही बनकर जवाब दूंगा और असल में बताऊंगा कि अल्लाह कितना कमजोर है शैतान के सामने और शैतान कितना होशियार है। जी बताइए। असल में अभी हमने पिछली एक आयत में देखा कि जब फरिश्तों ने इस बात का एतराज किया कि अल्लाह आदम को बना रहे हैं और उनको जो है दुनिया के अंदर भेजने वाले हैं, तो उन्होंने एतराज किया कि आप ऐसी मखलूक को ऐसी एक कौम को क्यों बना रहे हैं। तो अल्लाह ने वहां सिर्फ ये कहा, कोई एतराज का जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये हुक्म दिया कि जो चीज मैं जानता हूं तो वो चीज तुम नहीं जानते। अब शैतान को पता था कि अगर शैतान ये कहेगा कि मैं सिर्फ सजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपने हुक्म नहीं दिया, तो अल्लाह कह देगा तो मैं तुम्हें अब हुक्म देता हूं, अब इसको सजदा करो। तो वहां शैतान को सजदा करना पड़ता, शैतान उसको सजदा करना नहीं चाहता था,
लेकिन बिना अपनी असली बात जाहिर किए सिर्फ ये कहा कि मैं एक्चुअली इससे ज्यादा पावरफुल हूँ, इससे ज्यादा आला हूँ, आग से बना हूँ, तो मैं इनको सजदा क्यों करूँ। और इस बात के जरिए इनकार भी किया, उस चीज का एक जवाब भी दिया जो एतराज का सवाल किया गया है कि क्यों नहीं किया, और साथ ही एक मैसेज भी है उसके अंदर हिडन, और खासकर अल्लाह के का तो मुझे पता नहीं लेकिन खासकर मुस्लिमों के लिए और मोमिनों के लिए उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा हिडन मैसेज ये है कि शैतान अल्लाह जो है जो अपने कलाम के अंदर और इस्लाम के अंदर बार बार ये कहता है कि सजदा जो है वो एक्ट ऑफ वर्शिप है, यानी इबादत का तरीका है, और खुदा के लिए खाली सजदा है, इसके अलावा किसी के लिए सजदा नहीं। जो खुदा के अलावा किसी और को सजदा करते हैं वो सारे के सारे काफिर हैं और उन सबका दर्दनाक अजाब है। और वही खुद वही अल्लाह, हालांकि अभी तक आदम सिर्फ बना है, दुनिया नहीं बनाई गई, दुनिया में आदम को भेजा नहीं गया, उनकी औलादें नहीं हुई, उन्होंने बुत प्रस्ती भी शुरू नहीं की, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहली शख्सियत अगर कोई है जो खुद जो है बुतों को पूजने की जो और बुतों को सजदा करने का जो हुक्म दे रहा है वो खुद अल्लाह है, जिसने बुत प्रस्ती को स्टार्ट किया है एक्चुअली, क्योंकि सबसे पहले आदम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। और उसके बाद में शैतान को मालूम था कि ये गलत है, एक्ट ऑफ वर्शिप है, तो मैं नहीं करूंगा, तो उसने एक हिडन मैसेज मोमिनों के लिए ये दिया है कि मैं जिस रब को मानता हूं और जिसका मैं बनाया हुआ हूं या जिसके लिए मैं खालिस हूं, मैं उसके अलावा किसी और को सजदा क्यों करूं, तो उसने सजदा इसलिए नहीं किया। आई थिंक गालिब साहब की बात का जवाब मिल गया होगा। गालिब साहब आप हैं? जिंदा हूँ जी। जवाब आपने सुन लिया? हाँ सुन रहा था, कमेंट ही पढ़ रहा था ऐसे ही में थोड़ा। जी तो यहाँ पे अगर एक तरह से देखें साहिल भाई, तो शैतान तो जो है वो अल्लाह से बेहतर लग रहा है, क्योंकि जब खुद अल्लाह जो है बुत प्रस्ती का हुक्म दे रहा है फरिश्तों को, उस वक्त शैतान बुत प्रस्ती नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो किस बिना पर शैतान को बुरा समझा जाए और किस बिना पर शैतान सजदा करे जबकि उसको सजदे का हुक्म ही नहीं है। हुक्म है मलाइका के लिए, फरिश्तों के लिए, ना कि जिनों के लिए। अभी हम स्ट्रीम पे हैं, यहाँ साहिल भाई का है, गालिब साहब देखिए एक मेरी जी, अगर ऐसे करोगे तो ईमान वालों के हाथे पेले जाओगे। सर मैं रेडी हूँ हर तरीके से पेले जाने के लिए, बट जिसका एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी, आप मुझे जवाब दे रहे थे, आप फिर वही सवाल भी उठा रहे हो, गौर करो। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं मोमिनों की बात रख रहा हूँ जनाब, मैं मोमिनों का जो अकीदा है वो रख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी ये कह रहा था, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हुए, कि अब मोमिन जो है इसके ऊपर खुद सोचें, खुद फैसला लें, और यहाँ तक कि एक इंसान को हुक्म नहीं है सजदे का तो वो सजदा क्यों करे। अभी साहिल भाई की स्ट्रीम चल रही है और इस स्ट्रीम में लेडीज भी हैं, जेंट्स भी, यानी मर्द और औरत दोनों हैं। तो अगर साहिल भाई आप अभी ये कहें कि सारी लेडीज बाहर चली जाएं स्ट्रीम से, तो क्या इसका ये मतलब है कि सारे मर्द भी चले जाएंगे? हम नहीं चाहते कि कोई चले जाए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करें कि हम एक कमरे में कुछ लोग इकट्ठा हैं, 15-20 लोग, उसमें मर्दे भी हैं औरतें भी हैं, वहां ये कहा जाता है कि सारी औरतें बाहर चली जाएं, तो क्या वहां पे क्या मर्द बाहर चले जाएंगे? नहीं। क्योंकि उनको जाने के लिए कहा ही नहीं गया। तो जब वहां पे फरिश्ते सारे जमा हैं और सिर्फ एक जिन अकेला इबलीस मौजूद है और अल्लाह कहते हैं कि ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, तो भैया इबलीस किस खुशी में सजदा करे, वो तो जिन है, वो तो फरिश्ता नहीं है। जी तो ये सवालात तो आपके आ चुके हैं जितने आपने किए हैं, इसमें मजीद आपको कुछ
और ऐड करना है या फिर कॉलर्स लेना स्टार्ट करें। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्स मुस्लिम अली भाई भी, आपका इस्तकबाल है। वेलकम सर। एक चीज मैं रखना चाहता हूँ, फिर आप कॉलर लेना स्टार्ट कीजिए, लास्ट चीज है ये। मैं तमाम मोमिनों को, जितने हमारे मोमिन भाई हैं, स्कॉलर्स हैं, मुफ्ती हैं, सबसे सिर्फ एक मुतालबा करता हूं पूरे कुरान के अंदर से। और वो मुतालबा मेरा ये है कि ऐसी एक आयत पेश करें जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह ने शैतान को सजदा करने का हुक्म दिया, एनीवेयर फ्रॉम द ऑल ओवर कुरान। जी सर, अब आप कॉल स्टार्ट कर सकते हैं। गॉड तो जानता था ये सजदा नहीं करेगा, तो फिर क्या उसने जानबूझ के ऐसा किया? यानी अपनी ही, इसको कहते हैं कि कैसे कहूं मैं अच्छे से, अगर मुझे अच्छे वर्ड्स यूज करना है, अपने आप को ही नीचा दिखाने जैसा हो गया ना। हाँ हाँ, खुद को जलील करने वाली बात है, है ना। हो सकता है कि हमारी ये बातें चुभे हमारे मोमिन भाइयों को, लेकिन आप सोचिए ये सवाल कई सारे लोगों को आता है और इस बुनियाद पे सवाल आते हैं। अब हमारे जो मुसलमान भाई है वो समझ लेते हैं कि गुस्ताखी हो रही है। जैसे एक कहावत है, आबेल मुझे मार, तो यहाँ एक हिसाब से अल्लाह का कहना है कि आ इबलीस मुझे जूते मार। नहीं नहीं, आ इबलीस मेरा नाक उतार। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और ये मैं लिंक शेयर करने लगा हूँ सभी लोगों से। 1000 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्टिंग सेशन अभी शुरू होने वाला है, आप सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और एक चीज बता दूं कि इस स्ट्रीम से पहले मैंने एक 8-9 मिनट का लगभग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक वीडियो पर रिएक्शन है। वो आप लोग, जितने लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, वो प्लीज आप देखें और शेयर करें, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर करें, ताकि वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपसे रिक्वेस्ट है, और ये लीजिए मैंने लिंक शेयर कर दिया है। रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमिन कॉलर्स जुड़ें, और आपसे रिक्वेस्ट है जो भी मोमिन कॉलर आएगा, आपको इस टॉपिक पर बात करना है। आपको इधर आकर ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप क्या मानते हो, आप कैसे करते हो, आपके रिलीजन में क्या है, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप क्या है। सवाल जो आज का है इस्लाम पर, अगर आपको लगता है कि नहीं इस्लाम दिफा करने जैसी चीज ही नहीं है, तब आप बोलिए कि हमारा इस्लाम जो है वो दिफा करने के लायक नहीं है। अब आते हैं आप पे सवाल, तो हम आपके सवाल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इस्लाम सच्चा है और इस्लाम पे उठाए गए हर एक एतराज का जवाब दिया जा सकता है, तो मेहरबानी करके आप फिर जो एतराज है, जो सवाल है, उस पर अपना जवाब रखें। ये लीजिए मैंने लिंक शेयर किया है, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हमारे मोमिन भाई जुड़े। और उसके साथ जो नाजिया जी जो अभी रिसेंटली एक्स मुस्लिम हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ज्वाइन करें। और उसके साथ ये हमारे दूसरे जो भाई थे नसीब विलास जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ज्वाइन करें। और ये लीजिए लिंक आप लोगों को मिल गया है। ये मैं पिन भी कर देता हूँ। अच्छा, जैसे हमारे अली भाई ने अभी एक बात रखी है ना साहिल भाई, कि अल्लाह अलीमुल गैब है, तो उसको सब पहले से पता था। तो इसका खुलासा जो है ना, बहुत सारी अहदीस में किया गया है, जिसमें से एक अहदीस ये हमारे सामने स्क्रीन पर है। इसके अंदर एक्चुअली आर्ग्यूमेंट है मूसा और आदम के बीच में, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बोला कि मैं आदम से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो जब इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने आदम ने उनसे, मूसा ने उनसे क्या कहा, तो ये आप जब रिवायत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं पढ़ देता हूँ।
Allah's messenger said, Adam and Moses argued with each other. Moses said to Adam, you are Adam, whose mistake expelled you from paradise. Adam said to him, you are Moses, whom Allah selected as his messenger and as the one of whom he spoke directly. Yet you blame me for a thing which is had already been written in my fate before my creation. Allah's messenger said twice. So Adam overpowered Moses. इसका मतलब है कि मूसा ने आदम को कहा कि ए आदम, तुमको अल्लाह ने अपनी रूह से बनाया और तुमने तुम्हारे गुनाह की वजह से तुमको जन्नत से निकाल दिया गया। तो आदम ने ये जवाब दिया कि ए मूसा, तुम कलामुल्लाह हो, यानी अल्लाह ने तुमको डायरेक्ट बातचीत करने के लिए चुना है, और तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हो जो कि अल्लाह ने मेरे नसीब में मुझे बनाने से पहले लिख दिया था। तो जो चीज़ अल्लाह ने ऑलरेडी लिख दी थी कि यही होना है, उसके लिए अल्लाह शैतान को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? बेचारा शैतान क्या करे अब, जब अल्लाह ने पहले ही लिखा हुआ था वो। इसको एक बार उर्दू में भी आप रीड कर सकते हो तो कर लीजिए। या आई थिंक उर्दू में है नहीं, यहाँ पे मैं चेक कर लेता। ऊपर होता है ऑप्शन, साइड में आप जाइए, लेफ्ट साइड में। ओके, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए, आपको वहाँ इंग्लिश और उर्दू दिखाएगा। दिखा है जी, ये आ गया है। हाँ, वो रीड कर सकते हैं। कर देता हूँ एक सेकंड में। नहीं, मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं अटक के पढ़ूंगा, तो बेहतर है कि आप पढ़ लें। कोशिश करूं, उसके लिए आप मुझे प्राइवेट में। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जी। इसमें लिखा है, हमसे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने बयान किया। से वो सनद ना पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो है हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा और हजरत आदम अलैहि सलाम ने आपस में बहस की। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनसे कहा कि आप आदम हैं जिन्हें उनकी लगजिश ने, यानी कि उनकी गुनाह ने, उनकी खता ने जन्नत से निकाला। हजरत आदम अलैहि सलाम बोले, और आप मूसा अलैहि सलाम हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत और अपने कलाम से नवाजा, फिर भी आप मुझे एक ऐसे मामले पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मेरे ये क्या है जी, मेरी पैदाइश से भी पहले मुकर्रर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे हजरत आदम अलैहि सलाम हजरत मूसा अलैहि सलाम पर गालिब आ गए। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला दो मर्तबा फरमाया जी। जी, अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मुस्लिम भाई हमारे। सबसे पहले ले लेते हैं, आमिर साहब जुड़े हैं। आमिर साहब, आपका इस्तकबाल है। आमिर साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना ना भूले, 1000 लोग देख रहे हैं। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं, हमारे नहीं, आपकी आवाज बुरी आ रही है। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आमिर साहब, कहां से हैं और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं इंडिया से हूं और मेरा शिया मसलक से ताल्लुक है। मैं इंडिया से हूं और मेरा शिया मसलक से ताल्लुक है। अच्छा, आप अहले तशय्यु है जी। ठीक है, टॉपिक पर आप क्या कहेंगे आमिर साहब? जी, आपके ये टॉपिक पर जी कुछ सवालात
एक्स मुस्लिम समीर साहब ने। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, देखिए फिर आपका जो आज का जो टॉपिक है कि अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से क्यों निकाला, नहीं, सबसे पहला सवाल वो नहीं है। सबसे पहला सवाल ये था समीर साहब का कि जी? जब अल्लाह आदम को बनाने के बारे में जिक्र करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तू ऐसी मखलूक या जो भी उस आयत में है उसको क्यों बनाना चाह रहा है जबकि वो दुनिया जी में फसाद फैलाएगी। जी जी, तो सवाल ये है कि क्या फरिश्तों को अल्लाह से ज्यादा इल्म था, जो उनको ये प्रिडिक्शन, उनको ये पहले से पता था कि जो मखलूक बनाने वाला है अल्लाह, आदम और उसकी जो औलाद है वो नहीं दुनिया में फसाद नहीं फैलाएगी। ऐसा नहीं है साहिल भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाह फरिश्तों ने, अल्लाह ताला ने इंसान से पहले जिन को आया, तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उनको बताया, तो फरिश्तों ने उस जिन को देखा हुआ था कि पहले इंसान, अल्लाह ताला जिन को बनाया था वो किस तरह से दुनिया में फसाद फैलाते थे, नहीं, दुनिया तभी थी नहीं ना, उस चीज को दिमाग में रखते हुए फरिश्तों ने कहा दुनिया दुनिया में जिन थे। आमिर साहब, उस वक्त दुनिया में जिन जी जी थे, बोलिए जिन्नात थे। मैं सवाल कर रहा हूं कि आप कह रहे हो कि पहले जी। जिन अल्लाह ने जिन्नात थे, जिन्नों को बनाया तो वो पहले दुनिया में मौजूद थे, इसकी कोई दलील है आपके पास? क्या है कोई दलील है आपके पास? कैसे पता चला आपको कि अल्लाह, जब ये आदम से, देखिए हजरत आदम से कुरान, जब अभी देखो ये, मैं आपको आपको मैं ऐसा कुरान की रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ। कुरान में बहुत सी आयत है जहां पे अल्लाह ताला ने पहले जिन जिन्नी और इंसी नहीं, इससे से देखे, जिन्नी और जिन्नी इंसी और के ताल्लुक इंसी में, से बहुत आयत में कहा है कि अल्लाह ताला नहीं, ने एक पहले मिनट जिनों को रुकिए, बनाया है फिर इंसानों एक को बनाया है। मिनट आमिर साहब, जी आमिर साहब एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि कुरान में जिन व इंस, जो मेरे ख्याल से आप सूरह रहमान को रिफर कर रहे हैं, है ना? रहमान फबी में अय्यी बहुत सी आला ही आयात होती हैं रब्बिकुमा, कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है यही हमेशा कह रहे कि हो? अल्लाह ताला फबी ने जिन अय्यी को पहले ये आला ही किया है फिर रब्बिकुमा, उसके बाद इंस को ये किया है। नहीं, ये जैसे दलील आप कहाँ कभी भी है आप आप बताइए देखोगे ना, कुरान में दलील आयात दलील में, बत... ये कुरान में है, क्या है? ये कुरान में है। जिस तरह से अल्लाह ने कुरान में सलाह के साथ जकात जकात जिक्र है, आप हमेशा देखिए नमाज के साथ हमेशा जकात का जिक्र, तो उसी तरह से कभी जिन के ताल्लुक से बात हुई है कुरान में तो अल्लाह ने जिन को पहला ये किया है और कहाँ इंसान है को हमने आयत किया है। बताइए ना, आयत बताइए, जी आयत बताइए। ने आयात में वो मैंने आपको बात बताया कि मैं आयात नहीं बता सकता हूँ आपको क्योंकि मैं तो बिना आयत सीधे के आप कुरान अपनी नहीं हूँ, मर्जी से या बताओगे तो मैंने तो ये है कि मैंने पढ़ा है ये। अपनी, नहीं देखिए, कोई भी चीज अल्लाह के बारे में, अल्लाह की मखलूक के बारे में, खास करके जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो अल्लाह से रिलेटेड है, कुरान से रिलेटेड है, उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाल सकते हो ना, अपनी मर्जी का ट्रांसलेशन, अपनी मर्जी की अंडरस्टैंडिंग वहां पे थोड़ी ना पेश कर सकते हो। कोई एक वाज़े आयत होनी चाहिए जिसमें जो आप दावा कर रहे हो कि अल्लाह ने ने आपने जैसे जिनों सूरह को रहमान पहले आया तो बनाया। आप सूरह रहमान के आया में जिन्नी और इंसी है, नहीं, रहमान एक आपने मिनट, एक बोला मिनट उसमें भी एक आयत है जिन्नी और इंसी है। हजरत, एक मिनट। अगर कोई चीज पहले लिख दी जा रही है, इसका मतलब आप उसे पहला मान के उसके साथ कोई भी कहानी जोड़ दोगे? नहीं ये नहीं नहीं हाँ? कहाँ से आपकी लाया आवाज, आपने? क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कि ये पूछ कोई रहे चीज हैं कि ये पहले, उस,
एक साहिल भाई प्लीज एक मिनट, ऐसे कोई चीज अगर पहले लिखी जा रही है कि जलो जिन्नो वो इंस लिख दिया ठीक है, तो उसको आप पहली पूरा पहला पूरा दौर मान के उसके साथ आप कुछ भी कहानी जोड़ दोगे? कितनी कहानी छोड़ दूंगा। हाँ आपने बोला ना पहले वो फरिश्तों को बनाया, वो रह रहे थे, वो बहुत फसाद कर रहे थे, फरिश्ते देख रहे थे, ये सारी कहानी आप जोड़ रहे थे और मैं भी देख रहा था अभी। फरिश्ते नहीं, जिन जिन फरिश्ते नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ताला ने पहले जिन जिन और जिन्नात को बनाया। हाँ और फिर वो सब तो फसाद कर रहे थे। जिसे फरिश्तों ने देखा उनका एक्सपीरियंस था, तो उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने कहा कि हाँ वो फसाद फैला के, तो अल्लाह ताला मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने जवाब दिया बेशक आप जो जानते हो वो मैं नहीं जानता, हम उतना ही जानते जितना आपने हमें बताया। हाँ। लेकिन लेकिन सवाल बात तो अभी भी बाकी है ना आमिर साहब, सवाल आप समझे ही नहीं। सही सवाल ये है कि फरिश्तों ने जो बात कही थी अल्लाह से कि ये जमीन के अंदर फसाद मचाएंगे और ये कत्लो कताल करेंगे, खून बहाएंगे, क्या वो बात सही थी या गलत थी फरिश्तों की, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। फरिश्तों की बात सही थी, आप ये पूछ रहे सही थी या गलत थी ये पूछ रहा हूं मैं। तो की बात यार सही थी। इनकी। जी मैं दो बार मेरा सवाल दोहरा चुका हूं, तीसरी बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। जब अल्लाह ने आदम को बनाने का फैसला किया, इरादा किया, तो फरिश्तों से कहा, मशवरा किया, तो फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसी एक खलकियत, ऐसी एक कौम, ऐसे आदम को बनाने जा रहे हैं जो जमीन के अंदर फसाद फैलाएंगे, खून खराबा करेंगे, तो जी आप ऐसी ऐसी कौम को बनाने जा रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ फरिश्तों का ये सवाल अल्लाह से, यानी कि ये एतराज, सवाल तो नहीं कह सकते इसको, एतराज कहेंगे, ये एतराज अल्लाह से जायज था या नाजायज था, सही था या गलत था। नहीं साहिल भाई, मेरे को आवाज ना एकदम आपकी ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। अच्छा आप अपना कनेक्शन ठीक कराइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुबान साहब, आपका इस्तकबाल है। जी सुबान साहब आपका इस्तकबाल है, क्या आवाज आ रही है हमारी आपको? सुबान साहब क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अरे वो अपना माइक ही म्यूट कर रखे हैं भाई, अपना माइक खोलिए ना। सुभान साहब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सुभान साहब चलिए ये कह कोई रहे बात नहीं, हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये नबेदा आ गया, अरे हाँ लोग और भाई लोग। लोग कह रहे हैं कि ये सुभान साहब जो है हमारे जुबैर कुरैशी है। नवेदा वाले, अच्छा जी नबेदा वाले। हाँ अच्छा अच्छा लो 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 भाई, नवेदा पिला देंगे और क्या लिया तो होगा। है सुभान साहब। सुभान साहब की आवाज नहीं निकल रही है और देखिए सब नबेदा 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 कर रहे हैं सुभान साहब को। सुभान साहब चलिए सुभान साहब के बस की बात नहीं है, हमें इन्हें निकालना पड़ेगा। अच्छा अगर ऐसे ही लोगों की डिमांड, लोगों का शोर बढ़ता रहा नवेदा के नाम पे, तो चलो ईमान वाले तो 1400 साल पुरानी सुन्नत जिंदा करने पे लगे हैं, लेकिन ये काफी लोग नवेदा को ही ना जिंदा कर दें। दोबारा चलिए माइक। जी रफी साहब आ हाँ गए हैं। रफी साहब आपका इस्तकबाल है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट अनम्यूट कर कर लीजिए अपने लीजिए, आप अनम्यूट को। कर लीजिए। हाँ क्या मौजू है।
जी मौजू आपके सामने रखा गया था ना, आप देखे नहीं? नहीं, ये वो कुरान की आयत क्या है, मतलब कितना तक है, कितना तक बताइए, कितना कितना मतलब ये एक आयत होती है वो कितना तक है, मतलब बताइए ना। बताया ना आपको, यानी क्या क्या बताया आपने, आदम अलैहि सलाम को पैदा किया यानी पहले पर, ये मेरे समझ में अच्छा, गई नहीं। आप आपसे आसान, आपके लिए आसान सवाल ये करते हैं रफी साहब कि अल्लाह कहता है कुरान में हमने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, ठीक है, कुरान की आयत में साफ लिखा है। अब इबलीस तो फरिश्ता है नहीं, ओके सही, ये पता है आपको? हाँ सही सही है ना। तो अब इबलीस ने सजदा नहीं किया तो इबलीस को सजा क्यों दिया अल्लाह ने, जब हुक्म फरिश्तों को था? अच्छा सही बात है। देखिए देखो, मैं तो पहले आपके चैनल में आके पहले बता चुका हूँ, मेरे बाप 9 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपसे सीखूंगा। मुझे पहले ये बताइए, ये आयत उतरी कब? अभी तो उतरी है थोड़ी देर पहले। नहीं, उससे पहले एक मिनट गालिब भाई, नहीं हमारे मोहम्मद रफी साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन ये आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा मोहम्मद रफी साहब कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा है सजदा करने के लिए और इबलीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह उस पे जो है नाराज हो गया, उसको सजा दे दिया, उसको जन्नत से बेदखल कर दिया, ये आपको इलॉजिकल नहीं लग रहा है कि हुक्म फरिश्तों को है? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, आप लोग कुरान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर एतराज करते, देखो वो आपके ऊपर है, मुझे वो बात नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये आयत उतरी कब? सवाल किया, इसका जवाब दीजिए ना प्लीज। नहीं, मैं ये कहता हूँ, आयत उतरी कब, किसके ऊपर उतरी? मोहम्मद साहब पे उतरी ना। कब उतरी, क्यों उतरी यार, हमको क्या पता है इससे भाई साहिल भाई, मैं आपका एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो एक मैं मोहब्बत वाला आदमी हूँ, मैं आपसे नफरत नहीं करूँ। मोहब्बत से जवाब दीजिए ना। अरे गाली सुनो सुनो साहिल भाई, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रफी साहब, एक मिनट। अब देखिए, आपको एक चीज करने का हुक्म नहीं था, अच्छा ठीक है, आपको कोई एक चीज करने का हुक्म नहीं था, दूसरे के लिए था, आपके भाई के लिए था, ठीक है। अच्छा, आपके आपके भाई ने तो कर दिया वो काम, लेकिन आपने नहीं किया करके, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, यानी समझो कि आपको टैक्स, आपके भाई को टैक्स, आपके स्टूडियो में तुम अच्छे हो, मुझे अच्छे लगते हो, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, चलिए मेरी बात सुनिए, टैक्स भरना था आपके भाई को, ठीक है, एक आसान कर रहा हूं मैं मिसाल, टैक्स भरना था आपके भाई को, आपको टैक्स भरने का कोई हुक्म ही नहीं था, ठीक है, सही बात है, आपके भाई ने टैक्स भर दिया, सही है, ठीक है, आपने टैक्स नहीं भरा लेकिन आपको लेके जाके जेल में डाल दिया गया, अच्छा ओके, अब ये जुल्म नहीं आपके ऊपर? मैं देखो, मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं कोई नहीं, आपको नाराज नहीं करूंगा, आप अच्छे इंसान हैं, देखो मैं उस दिन आपके ऊपर जुल्म हुआ कि नहीं हुआ, आपको जेल में डाल दिया जाएगा तो नहीं, सो जेल में डालूंगा तभी मैं हंसूंगा, दाल रोटी खाऊंगा, चलो एक मिनट सुनो, मेरा ये अच्छा हुआ आपके साथ, नहीं अच्छा हुआ आपके साथ, नहीं मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कुछ भी कुरान की आयत उतरी है? रफी साहब रुक जाइए, नहीं देखो मोहम्मद रफी साहब, हम लोग यहाँ टाइम पास के लिए नहीं बैठे है ना, आपको मैंने म्यूट किया है, रुक जाइए, हम यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं ना, समझने के लिए बैठे हैं। साहिल भाई जी, गालिब भाई आप भी अच्छे इंसान हो, मोहम्मद रफी साहब भी अच्छे इंसान है, थोड़ा हम बुरे लोगों को भी बोलने दो भाई। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलिए। हाँ मोहम्मद रफी साहब, आप बड़े अच्छा हंसते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कोई बात नहीं, बोलो, नफरत नहीं करना, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं, सिंगर हूँ, हर धर्म के गाने, हर धर्म के नाच, हर धर्म के भजन पूरा गाता हूँ, मेरे लिए किससे नफरत नहीं है, कुरान को फॉलो कर। अच्छा अच्छा बोलो बोलो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना प्लीज, गालिब भाई सवाल करिए आप। अच्छा बोलो बोलो। अच्छा मोहम्मद रफी भाई, हाँ मोहम्मद रफी भाई, आप रफी मोहम्मद रफी साहब को बहुत मानते हैं ना?
हाँ बहुत इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। अगर मेरे मोहम्मद माँ बाप से रफी भी ज्यादा उनका एहतराम। हाँ मोहम्मद रफी साहब अगर 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी किए होते तो वो आपके लिए शर्म की बात होती या फखर की बात होती? आप कुछ काम नहीं, मैं ये क्या, मैं मौजूद पे आता हूँ, मुझे वो कुरान नहीं की नहीं आयत जवाब क्यों जवाब उतरी, दीजिए किसके आप, उतरी, नहीं जवाब दीजिए। नहीं मैं जवाब, चले मैं नाइल थोड़ा इसको एक्सप्लेन, भाई एक सेकंड मैं मोहम्मद रफी भाई, नहीं, देखिए आप मुझे रुक स्क्रीन शेयर नहीं करना, कोई एतराज नहीं, जाओ अगर आपके भाई बात लो नहीं है थोड़ा रुक इसका जाओ मेरे पास सवाल का जवाब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आयत कब उतरी, किस लिए उतरी, क्यों उतरी, क्या हुआ था वहां पर, कौन बात कर रहा था, यहूदी काफिर और कौन पूछ रहा था, क्यों उतरी, क्या जरूरत पड़ी इस आयत को मेरी उतारने की, बातों अल्लाह ताला तू। में, एक मिनट सर जी, मेरी बातों में तो आयत ही नहीं है और मैं तो मोहम्मद रफी पे सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, बोलो। हाँ कि मोहम्मद मैं रफी, टाइम नहीं तो मुझे स्क्रीन से निकाल दो, मेरा सवाल वही रहेगा, मेरा कहने का मतलब यह है, ये आयत उतरी कब, किधर उतरी, मक्का में उतरी, मदीना में उतरी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर रहे थे, या कुछ कर रहे थे, या कोई बात कर रहा था, कोई बहस कर रहा था, कोई ना कोई आयत उतरे थे, तो इसका मकसद है हम लोगों को गहराई के साथ जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, ये आयत ऐसी ऐसी है बहुत। गहराई में सर, मैं अब एक गहराई में मिनट, कब डूबोगे मैं बताता हूँ साहिल सर। सर भाई, ये सर वो तब उतरी जब सहाबा पूछ रहे थे कि अरे अल्लाह कोई ताला ने, फायदा नहीं ये सब बातें जो आप बोल रहे हो यार। बोलो 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 बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, हाँ मुझे नॉलेज तो आपसे हाँ नॉलेज मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ एतराज नहीं है, बोलो। तो मोहम्मद रफी भाई, अगर आपके गुरु मोहम्मद रफी 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी किए होते तो ये आपके लिए शर्म की बात थी या फखर की बात थी? दूसरों का, दूसरों का मैटर देखो, वो करते वो क्या करते वो मैं नहीं जानता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए वो चीजें छोड़ कर गए हैं, जिसको चाहिए मेरे हम पास ना मोहम्मद हो रफी गए, की बात कर रहा हूँ, जिसको मोहम्मद चाहिए हम रफी नहीं, की की बात बात नहीं हो नहीं। रही है, एक नबी मिनट, की मेरा बात कहना, नहीं पूछ रहे वो, मोहम्मद रफी अच्छा साहब नबी की बात नहीं पूछ रहे वो, हाँ, मोहम्मद हाँ रफी की बात कर रहा हूँ। बोलिए साहिल भाई, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, हाँ साहिल भाई हाँ रफी मो जो है, जो साहिल आपके भाई की आवाज बहुत आपके अच्छी है, साथ ही अच्छी है, अच्छी आवाज है तुम्हारी, बोलो कोई यार बात रुक जाओ, मोहम्मद रफी साहब आपसे गालिब भाई ने ये पूछा कि आपके जो आइडल है मोहम्मद रफी साहब गाने में, अगर वो हाँ। 6 साल की बच्ची से 51 की उम्र में अगर शादी करे तो आप उस, आप पे, आप उन पर फकर करोगे या शर्म करोगे, ये बता दीजिए। मैं फकर भी नहीं करूंगा, शर्म भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा नहीं, इसके गहराई पे जाना पड़ेगा, मुझे जाने होता नहीं, अंगूठा छाप हाथ में हूँ अरे भाई, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, रफी साहब, रफी भाई साहब मोहम्मद रफी साहब से या हज भी किए, उमरा भी किए, अभी रफी साहब से रुख्सत हो गए, अभी उनको लेके वो करते क्या नहीं करते, वो तो उतनी गहराई पे हम लोग आलिमुल गैब तो हम तो है ही नहीं है, हम तो जानते हैं, हमारे हिसाब से आलिमुल गैब अल्लाह है, और ये मैं कहता हूँ, आपकी बात सही है, आपने कहा कि फरिश्तों को इल्म था क्या नहीं था, मैं ये कहता हूँ ये आयत फरिश्तों को उतरी क्यों, क्यों छोड़ दीजिए, उतरी, जरा उसका जवाब दो मुझे, मैं अंगूठा छापूं, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। आप जो रफी साहब बार बार पूछ रहे हैं शाने आयत के शाने नुजूल के बारे में, मुझे एक चीज बताइए, ये आयत कब उतरी, किसके सवाल पे उतरी और कहाँ उतरी? क्या अरे भाई इस बात का जवाब मिलने के बाद क्या सवाल बदल जाएगा या आयत बदल जाएगी, मुझे आप ये बता दीजिए। नहीं, उसका इसका आयत मैं भी वही इसका रहेगी, सुनिए, आयत भी वही रहेगी, सवाल भी वही रहेगा और आपको जवाब भी वही देना पड़ेगा, तो आप चाहे जितनी जलेबियां बना ले आपको आना वही पड़ेगा, हमें नहीं मालूम है, हम कह चुके हैं, आप बता दीजिए कब उतरी कहाँ उतरी, उसके बाद सवाल का अच्छा जवाब दे दीजिए, बहुत अच्छा सिंपल है। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, नहीं मैंने इनको म्यूट किया है, मैं एक चीज बोलता हूँ हमारे जितने पैनल में हैं, असल में मोहम्मद रफी साहब के बस की बात नहीं है, और इनसे ये सवाल करना मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जुल्म करने जैसा है, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसको जहन को खोल कर आप इस पे गौर करिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके जो दूसरे आइडल है मुफ्ती यासिर साहब है या दूसरे कोई है, वहां पे जाके आप बोले कि ये देखिए कि ये एतराज है, इसका क्या जवाब है, फिर आप आइएगा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, हम दूसरे किसी कॉलर को ले लेते हैं ताकि कुछ लोगों को भी सीखने मिले। हेलो,
काफी तेजी कह रहे हैं शाहिन, ये भाई 60 साल तक गहराई तक नहीं जा पाए, अब क्या 200 साल की उम्र के बाद जाएंगे गहराई? गहराई में नहीं गए तो उतारो ना। वकास खान साहब, आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है। अब अगर अगर ये गहराई में जाते हो तो मोहम्मद रफी कहाँ जाते हो? हेलो जी वकास खान साहब, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है, थोड़ा आप किधर दूरी पे आ जाइए। ग्रीन पीस जी ने $5 का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक थोड़ा काम पे मशरूफ हूँ, लेकिन कहाँ से हैं आप लोग का क्वेश्चन? मैं पाकिस्तान से हूँ जी। जी किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान हैं आप, ठीक है। अच्छा आज के सवाल पे आपका क्या जवाब है? आप बताइए कि कौन सा सवाल है जी? सबसे पहला सवाल, आसान सवाल से शुरू करते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था सजदा करने का। जी जी सही, कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो सजा इबलीस को क्यों जब उसको हुक्म ही नहीं था? देखो जो हिस्ट्री में ये समीर बैठा हुआ है ना, इसको मैंने दो आयत बताया, सूरत स्वाद के सूरत हिजर की, फैदा सवैतुहु व नफखतु फीही मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन, उसमें है फक़ऊ लहु साजिदीन। आपका जवाब दोनों में नहीं है, पे उसको है दोनों फक़ऊ लहु साजिदीन, तुम सजदा करो, फिर इसके बाद फसजदल मलाइका फकुल्लुहुम अजमईन। मुझे भी मैं काम पे हूं, मुझे 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 आप अभी आयत बताइए, आयत का नंबर बता दीजिए ना, स्क्रीन पे खोल ओपन कर देते हैं उसको। 14:54 थी ना आपकी वो? ये मुझे अभी जुबानी कह रहा हूँ, मैं तो काम पे हूँ ना, मुझे मेरे पास तो कुरान करीम, मैं कर देता हूँ आपकी हेल्प, मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रहे हो, पिछली बार आपने रेफरेंस दिया था 14:22 या 54, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 14:22 नहीं, 22 नहीं है ये, ये लिखा हूँ, ये सूरत ये पहले तो है, ये सूरत स्वाद 72 आया थे, कौन नहीं सूरा नंबर कौन सा है? 38 सूरत स्वाद, मुझे ये मालूम इतना नहीं, चैप्टर स्वाद सूरत स्वाद 72 आया थे। एक मिनट, फैदा सवैतुहु व नफक्तु फीहि मिन रूही फकाउ लहु साजिदीन, ये बोल रहे हो? हाँ जी जी, अभी थोड़ा बहुत ध्यान से सुन, मैं काम कर रहा हूँ। फैदा सवैतुहु व नफक्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसको बराबर करूंगा और व नफक्तु फीहि मिन रूही और इसमें मैं फूंक मारूंगा अपनी तरफ से, फकाउ लहु साजिदीन, तो उसको सजदा करो, इसमें न फरिश्ता है न इबलीस है। लेकिन जो अगली आयत है ना इसके बाद, तुम सजदा करो, फिर इसके बाद फसजद अल मलाइका, तो अगले आयत में फसजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमईन, ये मलाइका जो सब के सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने नहीं किया, तो इधर हुक्म हुआ दोनों को। हो गई आपकी बात? हाँ जी हो गई जी। देखिए आपने जिस आयत का हवाला दिया है, ये देखिए मैं इसको शेयर कर देता हूं, ये है इधर है ये जी, ये देखिए इसमें है, चुनांचे जब मैं इसे पूरी तरह बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदे में गिर जाना, यहाँ पे तुम है सही, ये है ना भाई, ये ट्रांसलेशन में मत जाइए, इधर पकड़ो लहू। वकास खान साहब रुक जाइए, इसके ऊपर वाली आयत में ये बोल किसको रहे वो देखिए, इद कॉल रब्बू कलिल मलाइकती व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, यहाँ पे फरिश्तों से बात हो रही है यार, इतनी धोखेबाजी क्यों करते हो वकास खान साहब? जी जी देखो जी, जब में ये वाज़े एक
यार आपको मैंने बात करने का मौका दिया ना, आप सुन लीजिए। इसके बिल्कुल पहली आयत में ये वाज़े तौर पे लिखा है, देखिए, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, मलाइका से बात हो रही है, तो उधर बनाने के बाद हो रही है। नहीं नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, बात हो रही है फरिश्तों से। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब इसको दुरुस्त कर लूं, ये कंटिन्यूएशन है, ये कुछ अलग अलग बात नहीं हो रही है। अल्लाह कह रहा है फरिश्तों से कि मैं इंसान बनाने वाला हूं मिट्टी से, आगे कहता है कि जब इसको मैं दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो इसके आगे सजदे में गिर पड़ो पड़ना, ये बात फरिश्तों से कह रही है, आपके काम की नहीं है बात। देखो भाई, इसमें जो पकाऊ लहू है, पकाऊ ये कौन सी सीगा है मुझे बताइए, जमा है या है मुफरद है? ये जमा है, तो मलाइका ऊपर जमा है क्या? सिर्फ एक मलाइका की बात हो रही है? ये जो पकाऊ, पकाऊ ये जमा है क्या मुफरद है, ये बताइए मुझे। ऊपर ऊपर क्या है, मलाइका प्लूरल है क्या? मुफरद भाई, मुफरद बोल रहा हूँ, सिंगल सीगा है या जमा है ये बताइए मुझे। फकाऊ लहू साजिदीन, मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर जो मलाइका है ये क्या है? सबर करो, मैं थोड़ा बिजी हो गया यार। बिजी क्यों हो जाते हो, जवाब देने के टाइम आप बिजी हो जाते हो। बात नहीं, ये आएंगे दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल ऊपर साफ लिखा है, अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, किससे कहा? फरिश्तों से कहा, क्या कहा? मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब इसको दुरुस्त कर लूं, जब अल्लाह इसको कंटिन्यू कर रहा है, वहां पे ऊपर फरिश्ता है और वकास भाई वहां पे जोड़ रहे हैं, नहीं फरिश्तों के साथ जो है वो इबलीस को भी हुक्म दिया है। अल्लाह अपने कलाम में इतनी एम्बिग्यूटी क्यों रखा है? फिर सवाल ये उड़ जाता है। अभी ये समीर साहब, अभी जब ये आएंगे तो पहले तो इन्हें जितने भी पहले के ये ट्रांसलेशन करने वाले हैं, पहले सबको लानत भिजवाइएगा, उसके बाद आगे बात करिएगा। एक्स मुस्लिम समीर साहब, इन्होंने जो हवाला दिया है उसमें तो वो चीज नहीं है, वहां पे तो बिल्कुल एक आयत पहले मलाइका जिक्र आ गया। अरे मलाइका अरोरा नहीं दोस्तों, मलाइका यानी फरिश्ते, मलाइका यानी फरिश्ते। जी एक्सपोनेंशियली अली साहब, आपकी आवाज काफी स्लो थी। मैं कह रहा हूँ जरा इनसे पूछेगा कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, आप कहाँ से पढ़ के बता रहे हो? नहीं वहां पे वो कह रहे हैं कि इधर ये सीगा है वो सीगा है, यार इतनी एम्बिग्यूटी क्यों है? ऊपर अल्लाह कह देता ना कि अल्लाह ने मलाइका और इबलीस से कहा, कितना अल्लाह ने इतना कंफ्यूजन रखा है कुरान में कि बेचारे हमारे जो मोमिन भाई है वो चाह कर भी इसको जो है डिफेंड नहीं कर पाते, ये बात गौर करने वाली है। चलिए मुझे लगता है कि हमें बैकग्राउंड में जलेबी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपका इस्तकबाल है। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बिल्कुल, क्या जलेबी जो ना नहीं पक रही आपकी, आपका बैकग्राउंड से जो है वो नॉइस आ रही है। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, हैप्पी न्यू ईयर। तो थोड़ी बता रही, हैप्पी न्यू ईयर 2020, हैप्पी न्यू ईयर टू यूनिवर्सल ब्यूटी, हैप्पी न्यू ईयर टू यूनिवर्सल ब्यूटी। अच्छा अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग गले मिल नहीं रहे हो, गले पड़ रहे हो एक दूसरे के। अच्छा यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, मैं वाकई में आज आपको मौका देना चाह रहा था
कि आप बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी सवाल कट रहा। नहीं, मेरी आवाज ठीक है, आपके कनेक्शन में इशू है। गाली भाई, मेरी आवाज क्लियर है? ऐसा एकदम क्लियर है, ये यूनिवर्सल ब्यूटी भाई के पैजाब आया हुआ है। क्या यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आप थोड़ा कनेक्शन सही करके आइए। गाप से है ना, तो काम जी से नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, प्लीज। हाँ, तो आप फिर से कुछ आजू बाजू से थोड़ा इंटरनेट चोरी करके या यानी कुछ डेटा पैक लेकर आप फिर आइए। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे मोमिन भाई, सवाल बिल्कुल आसान है, समझने वाला है, गौर करने वाला है। अल्लाह हुक्म दे रहा है मलाइका को सजदा करने की, वो लोग तो कर, उन्होंने तो इनकार नहीं किया, उन्होंने तो किया। हुक्म तो अल्लाह ने इबलीस को दिया ही नहीं, आयतों के मुताबिक, आयतों में है ही नहीं, साफ साफ बिल्कुल वाजे तौर पे मलाइका है। तो फिर इबलीस को सजा क्यों मिली? या तो अल्लाह अपनी बात पूरी बताने में नाकाम रहे, आधी अधूरी बात अल्लाह सुभान व तआला ने बताई है, अब फैसला आपको करना है। मैं अच्छा, मैंने तो लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। हेलो फ्रेंजी कह रहे हैं, अल्लाह भूल गए जी। ये कौन से साहब है? वकास साहब। अल्लाह ताला का नेट खराब था जी, साहिल जी। वकास साहब, नहीं इंजन का मसला जी, मैं जरा मसरूफ था, इसलिए देखो जो वही आया थे ना, इसी में बताया। पहले तो फरिश्तों को बताया कि मैं एक बशर पैदा करने वाला हूँ मिट्टी से, वो तो अलग, उसको वो तो अलग अलग मामला है ना। जब नीचे आया पैदा सा वही तो हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे देखो भाई मुझे कंप्लीट करनी नहीं थी, आप बात करो फिर। नहीं है अभी बाकी, सब्र करो यार, नहीं उसकी अगली आयत मैंने नहीं पढ़ा ना, सब्र करो। पैदा सा वही तो हूँ, सब अगली आयत में फिर से आएगा। वही पैजा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही, जब मैं उसको बराबर करूंगा और इसमें मैं अपना रूह पोंगूंगा, फकाउ लहू साजिदीन, तो उसको सजदा। सवाल ये भी उठता है, सवाल ये भी उठता है कि क्या बराबर करने की बात हो रही है? क्या अल्लाह ने उसको सही से नहीं बनाया था जो अब बराबर करने की बात हो रही है? भाई ये तो आपके दिमाग के ऊपर है, तो आप उल्टी पुल्टी सवाल कर रहे हो मेरे सामने। अगली एक मिनट वकास साहब, मैं बात कंप्लीट कर, एक मिनट साल भाई, एक भाई एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने का तो जवाब दे दे पहले। अल्लाह आपने खुद कहा अभी बीच में कि अल्लाह कह रहा है कि मैं जब इसको बराबर कर दूंगा, तो क्या अल्लाह ने बराबर अभी बनाया नहीं था वो? मतलब कैसे अधूरा था या क्या था जो अल्लाह कह रहा है जब मैं बराबर कर दूंगा इसको, उसके बाद आप सजदा करना? साहिल भाई वो अलग टॉपिक है, फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हां तो उसका तो जवाब उसी आयत में कहा कि तुम क्या है यार, मुझे एक कंप्लीट करने दो, फिर मैं काम कर रहा हूँ ना। उसमें जमा का सीगा लेकर आया, फकउ लहु साजिदीन, बराबर पे बराबर पे आपके पास अगर सबर करो यार, सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। अगर लाइन टू लाइन आप जो आयत पेश कर रहे हो उसमें जो चीज है उस पे तो सवाल उठेगा ना। अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है और आपको बाद में अगर उस पे तहकीक करके रिसर्च करके लाना है, तो आप ये कह दीजिए कि इसका मेरे पास अभी फिलहाल जवाब नहीं है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल मैं काम में मसरूफ हूं, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जॉब भी नहीं है, लेकिन उसमें ये तो मुझे कंप्लीट करने दो। अल्लाह पहले बराबर नहीं बनाया था, उसके बाद उसको बराबर किया, या क्या मसला था वो कि अल्लाह को ये जरूरत कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं इसको पहले बराबर कर लूं, मैं जब इसको दुरुस्त कर लूं। दुरुस्त किसको किया जाता है? वकास खान साहब, दुरुस्त किसको किया जाता है? देखो बराबर करने फैजा सही तो बराबर करने के लिए। हाँ वही, बराबर किसको किया जाता है? जो चीज बराबर ना हो, दुरुस्त उसी को किया जाता है ना जो दुरुस्त ना हो। अल्लाह ताला बनाया नहीं ना, वही बात कर रहे हैं मेरे भाई, कहां पे बनाया है ना, बनाया कहां बनाया, इसके पैजा से गले कर रहा है, पैजा किसका सेगा है? देखो जब पैजा, जब हाँ बोलिए, जब क्या,
यार देखो इजाज से वही तो हूँ जब मैं इसको बराबर करूंगा, जब कैसे गले कराए जब अल्लाह को ये कहना चाहिए जब देखिए देखिए रुकिए वहां पे जाने से पहले सवाल अल्लाह पे ये उठ रहा है कि अल्लाह को ये कहना चाहिए था जब मैं इसको बना लूं, अगर बनाना कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन आप ये कह रहे हो जब इसको दुरुस्त कर लूं, दुरुस्त दुरुस्त तो उसको किया जाता है जो दुरुस्त पहले से ना हो, और बनाने वाला तो अल्लाह ने पहले एक चीज ऐसी बनाई। आप जो समझो आपका मर्जी है, लेकिन मैं अभी जो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ ना इसी में है, सबर करो यार, मुझे यार एक मिनट सबर सबर मुझे वकास खान साहब रुक जाइए। समीर साहब मैंने जो सवाल किया आपको समझ में आया? जी मुझे समझ में आया, लेकिन असल में पता है बात क्या है, वहाँ पे अल्लाह जो है ना वो आदम का मिट्टी से पुतला बना चुका है, और दुरुस्त करने का जो मामला है वो उसके अंदर रूह फूंकने वाला है साहिल साहब, तो वो भी दुरुस्त जगह सही है। नहीं नहीं कैसे सही है, कैसे सही है भाई, जब दुरुस्त का मामला नहीं होता ना, अल्लाह ये कहता कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं। जी आप समझ नहीं रहे। हाँ, वो अगर वो कोई चीज साहिल भाई आप जो सवाल कर रहे हो ना, वकास खान साहब रुक जाइए मैं आपको मौका दूंगा, मैं पहले अपना सवाल तो रख दूं क्योंकि एक्स मुस्लिम समीर साहब को भी डाउट हो रहा है। अल्लाह का रूह फूंकना बाकी था, ठीक है, तो अल्लाह यू कहता कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं पहले, बात ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह कह रहा मैं इसको दुरुस्त कर दूं, तो वहां पे मसला आ जाता है कि दुरुस्त तो वही चीज को की जाती है ना जो पहले दुरुस्त ना हो। ये भी सही, और दूसरी बात इसमें सवाल फिर ये भी उठता है कि ये कैसा अल्लाह है जो इंसानों की तरह स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है उसको। यार अगर आप कोई चीज बना रहे हो जैसा रॉबर्ट बना रहे हो तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप उसको बनाओगे? अगर आप अल्लाह होते तो क्या कहते, कुन फयकुन, हो जा बोल देते, हो जाता। यहाँ पे अल्लाह जो है उसको भी जरूरत पड़ रही है स्टेप बाय स्टेप जाने की, और यूज ऑफ वर्ड्स जो है, चॉइस ऑफ वर्ड जो है वो भी सही नहीं है। ये कहता कि मैं कंप्लीट करूं पहले इसको जो अधूरा बनाया हूं, अल्लाह कह रहा मैं दुरुस्त। तो देखिए दुरुस्त मीन्स क्या, रिपेयर हुए। तो वकास खान साहब इसका पहले जवाब दे दे। वकास खान साहब शायद बिजी हो गए। दोस्तों आज जितने लोग देख रहे हैं, 1300 लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और जो मैंने ये सवाल उठाया है, क्या आप लोगों को समझ में आया? अल्लाह कह रहा है कि मैं दुरुस्त कर दूं, दुरुस्त वर्ड यूज क्यों किया अल्लाह सुभान व तआला ने? और क्या अल्लाह को भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत पड़ती है? तो कैसे अल्लाह, ये तो इंसानों का काम है ना, कि बल्कि बहुत सारे जो रॉबर्ट्स ऐसे होते हैं जो कई चीज बनानी होती है, एक स्टेप में ही बन जाता है वो। तो बड़ा अजीब सा मामला है, इस पे भी एक सवाल उठ गया और हमारे वकास खान साहब के पास इसका जवाब नहीं है और शायद वो काम में मसरूफ है। तो मैं कोशिश करता हूँ, हमारे एक दूसरे कॉलर है, खलील अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। अमित कह रहे हैं वकास खान कुछ ज्यादा ही सबर कर गए इस बार। खलील अहमद साहब आपका इस्तकबाल है। खलील अहमद साहब क्या आवाज आ रही है आपको? खलील अहमद साहब क्या आवाज आ रही है आपको? चलिए जब तक हम लेते हैं एबीजी को, आपका इस्तकबाल है एबीजी। एबीजी क्या आपको भी आवाज आ रही है? क्या मामला है आज हमारे जो मोमिन भाई है उनके कनेक्शन में कुछ ना कुछ इशू है, और जिनके कनेक्शन में इशू नहीं है उनके पास जवाब नहीं है। अगर बहुत सारे लोग सैयदा ईशा जी का वेट कर रहे हैं, तो सैयदा ईशा जी अगर आप लाइव हैं और अगर वीडियो को देख रही हैं तो आप प्लीज आइए और अपने इल्म से हमें फैज उठाने का मौका दीजिए कि इस मामले में आपके पास क्या है इल्म,
क्या आप हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकती हैं? प्लीज आप स्टूडियो ज्वाइन करें। जी खलील अहमद साहब, क्या आवाज आ रही है? एबी साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? दीपक नवल जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह कायनात बनाते बनाते दुरुस्त करने लगे, ये कैसा इंसानी अल्लाह है? बिल्कुल यही सवाल उठता है ना, कायनात तो बहुत बड़ी चीज है, अब तो आदम को बनाने के लिए भी अगर दुरुस्त करना पड़ रहा है, कोई चीज ठीक से नहीं बनी, अब उसको जो है रिपेयरिंग या उसको दुरुस्त कर दे, तो ये क्या मामला है? स्वीटी जी, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा था सैयदा ईशा जी को कि वो आए और इल्म बांटे, कुछ लॉजिकल बातें करें ताकि हम लाजवाब हो जाए। खलील अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है, क्या आवाज आ रही है हमारी? हेलो साहिल भाई, वकास खान साहब जी, जी मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आप बोलो, फिर आप बोलेगा यार ये तो मिट्टी से बनाया, कौन सी मिट्टी है, मिट्टी कहाँ से लाया, इसमें 20 सवाल उठ, आप तो इस तरह तो नहीं होगा ना, इसका जवाब नहीं आपके पास पहली दुरुस्त के ऊपर। यार पहली आयत में जो बताया ना, इज काल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन, याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं खालिकुन, ये मिट्टी से बनाने वाला हो, उधर बनाना है पहले से, बशरन एक बशर मिन तीन मिट्टी से, फिर अगली आयत में आया पैजा से वही तो हूँ, जब मैं उसको बराबर करूंगा, ये पैजा लेकर आया पैजा, जब हाँ नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही और मिन वकास खान साहब, भाई उधर बनाना है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ था प्रोसेस, तो अल्लाह को वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था कि इसको मैं कंप्लीट कर लूं पहले, दुरुस्त का वर्ड बताया ना करके भाई, ये पैदा नहीं है पैदा, वकास खान साहब आप एतराज नहीं समझ रहे, आपको नहीं लगता अल्लाह को ये वर्ड यूज करना चाहिए था कि मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूं, दुरुस्त के बदले दुरुस्त वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, बराबर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दुरुस्त आप तब करते हो जब कोई चीज दुरुस्त नहीं होती है। देखो भाई आप जो समझिए वो समझिए, मैंने आपके समझ से समझ के हिसाब से अगर आप अकीदत का चश्मा उतार दे तो आपको क्या समझ में आता है? ठीक है ठीक है, वो आपका मर्जी। फिर इसमें और लिखा है वह नफख तो फी ही मिन रूही, जब भी उसको रूह फूंकूंगा अपनी तरफ अपनी रूह से, हाँ वही थोड़ा मुश्किल है ना, वो थोड़ा कट कर दीजिए ना। अच्छा एक मिनट, हाँ वकास खान साहब यार मुझे मुझे थोड़ा बोलने दिए, एक मिनट जा रहा यार अब मैं, ठीक है आप कंप्लीट करिए, मैं बाद में बात करूंगा यार। चलिए वकास खान साहब के साथ जो दुरुस्त वर्ड का इस्तेमाल अल्लाह ने किया है उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो कह रहे हैं आपको जो समझना है समझ ले। देखिए मैं यही कहता हूं हर बार कि अल्लाह ने कुरान को इतना एम्बिगुअस रखा है, उसमें इतना एम्बिगुइटी और इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल करना कि एक हमारे जो मोमिन भाई है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि जवाब दे तो कैसे दे। चलिए एबी साहब को मैं फिर से जोड़ रहा हूं, एबी साहब क्या आवाज आ रही है आपको? नहीं, इनका ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, इनका ऑडियो का मसला है। अगर आप एबी साहब सेटिंग में जाके देखिए, ऑडियो सेटिंग में शायद आपने ब्लूटूथ लगाया हो तो वहां पे आपको वो सेट करना पड़ेगा माइक में, और अगर आप ऑलरेडी कोई यानी हेडसेट कुछ आप यूज कर रहे हैं तो उसको प्लीज आप रिमूव करके एक बार ट्राई कीजिए। अमीर साहब आए हैं फिर से, जो कि अहले तशय्यू है, शिया फिरके से ये ताल्लुक रखते हैं, देखते हैं वो जुड़े थे लेकिन इंटरनेट जो है वो सही से नहीं चल रहा था उनका, फिर से कोशिश कर लेते हैं। आमिर साहब आवाज आ रही है हमारी आपको? जी
आमिर साहब क्या आवाज आ रही है आपको? आमिर साहब क्या आवाज आ रही है आपको? आपका सेल्फ म्यूट है आमिर साहब, तो आप पहले अपना माइक अनम्यूट कर लें फिर आप बोलें। जी अब बोलें। जी आ रही है आपका आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोले आमिर साहब, आपकी आवाज आ रही थी, बोले हम। ठीक है, तो मैं ये आपसे कह रहा था, अल्लाह ताला ने पहले जिनों को बनाया था, इंसान से पहले दलील, अल्लाह ताला ने जिनों को बनाया था, और दलील दलील इंसान की फितरत थी, उस जिनों की फितरत थी। एक मिनट, मैं आप मेरा मेरा दलील दे देता हूँ। आपने बता दिया है कि नहीं नहीं एक मिनट रुकिए आमिर साहब, ऐसे नहीं होता है जी, लाइन टू लाइन चलना पड़ता है, तब जाके हमें भी समझ में आएगा, लोगों के भी समझ में आएगा। नमन नखा जी आए हैं, $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने उस ट्री के चारों ओर वार्निंग के लिए बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए? अल्लाह क्या सब कुछ जानते नहीं थे जो धोखा खा गए? बिल्कुल, बल्कि बहुत मस्त मिसाल दिया आपने कि एक अगर रास्ते में किधर गड्ढा हो, कुछ डेंजर हो, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है वो साइन लगा देती है, जो अथॉरिटी है वहां की। एक्सक्लूसिव अमीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी शुक्रिया। तो हाँ, नमन नखा जी ने बहुत मस्त मिसाल दी है कि कहीं पे अगर कोई डेंजर है तो जो गवर्नमेंट होती है या अथॉरिटी जो होती है वो वहां पे साइन बोर्ड लगा देती है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ से संभल के जाइए, रेड लाइट्स होते हैं। कम से कम यार अल्लाह इससे बेहतर तो कर सकते थे ना कि आदम को जो है वो याद रहता कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, देखकर एटलीस्ट। इतना भी नहीं किया अल्लाह सुभान व तआला ने। नहीं, ये ज्यादा बेहतर नहीं होता साहिल भाई के जिस पेड़ की या जिस फल की जरूरत ही नहीं थी उसको वहां से हटा दिया जाता, लगाया नहीं जाता? लगाया नहीं जाता, बिल्कुल आपकी बात सही है। यानी ये ऐसे हो गया कि जानबूझकर कोई जा रहा है तो उसको यानी कोई फल की शक्ल में जहर रख दिया जाए, या रास्ते में गड्ढा खोद दिया और फिर कहा था देखो रास्ते में गड्ढे में मत गिर जाना, और उसको बताया भी नहीं कि वहां पे गड्ढा गिर गया। बिल्कुल अल्लाह ने ही वो गड्ढा खोदा है, नहीं लगाता तो क्या चला जाता अल्लाह का, बल्कि हम सब जन्नत में होते शायद हूरों के साथ। बिल्कुल जी आमिर साहब, आप सबसे पहले ये दलील दीजिए कि अल्लाह ने जिनों को जब ये बात हो रही थी इससे पहले दुनिया में जिन लोग जो है वो दुनिया में थे ये आपने कहा है, तो इसकी दलील आप प्लीज दे दीजिए। साहिल भाई आप देखेंगे कुरान में सूरह सफात में, और पूरा जिनों के मामले मसले से एक पूरी सूरह है सूरह जिन। मैं आपको स्पेसिफाई आयात नहीं बता सकता हूँ, और मैंने माना बहुत से मुफस्सिरों लोगों ने मुहद्दिसों ने किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने पहले जिन को क्रिएट किए, और जिस तरह से इंसानों के पैगंबर आते थे, मैसेंजर्स आते थे, उस तरह से जिनों के लिए भी मैसेंजर्स आते थे। कहाँ है इसकी दलील? और उसमें भी उनमें भी अच्छे जिन और बुरे जिन हुआ करते हैं। इसकी दलील कहाँ है कि इंसानों से पहले अल्लाह ने दुनिया में हुआ करते थे? नहीं नहीं आपकी बात नहीं आमिर साहब, एक मिनट देखिए यहाँ पे, नहीं सुन लीजिए आमिर साहब, सुन लीजिए आमिर साहब, प्लीज सुन लीजिए। इबलीस जो था वो जिन, आमिर साहब पहले सुन लीजिए, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। यहाँ पे अगर आप लेकिन आपने ये कहा कि दुनिया में मौजूद थे, उनके पास नबी भी आते थे, वही भी आती थी, तो वो इस बात की दलील साहिल भाई आपसे मांग रहे हैं कि वो दुनिया में मौजूद थे और नबी और वही आती थी, आप इस बात की दलील पेश करें।
ये नहीं पेश करें कि पहले किसको बनाया, जाहिर तौर पे बात है कि जिनको पहले बनाया, क्योंकि जिनों में से शैतान वहां पे मौजूद है और आदम को भी बनाया जा रहा है, लेकिन वो दुनिया में मौजूद थे और उनके ऊपर जैसा कि आपने अभी कहा कि नबी भी आते थे और वही भी आती थी, ये चीज आपको दलील में पेश करनी है जी। बिल्कुल, और फ्री माइंड जी ने 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एडम के चेस्ट बोन से हवा पैदा हुई यानी पसली से, बट असली दुनिया में उल्टा होता है। इस्लाम एक अननेचुरल असहज सिस्टम है। कितने सारे सवाल उठ रहे हैं फ्री माइंड जी, कितने सारे। आमिर खान साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि और जो भी मोमिन भाई आते हैं वो कुछ भी बात करे तो दलील के साथ अपनी बात रखे। आप अपनी मर्जी से कुछ कहोगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आमिर साहब, आपका इंटरनेट का भी इशू है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इंटरनेट और अपने सिस्टम की सेटिंग सुधार ले, क्योंकि समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी फिर से जुड़े हैं, देखते हैं कि अब इनका जो कनेक्शन है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो, अब ठीक है? अरे बहुत मस्त। हाँ जी, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पर? तो शैतान इब्लीस को उसकी यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक पहले मेरी बात सुन लीजिए ताकि ये डिस्कशन हमारा फ्रूटफुल हो। आप जो भी एक्सप्लेनेशन दोगे आपको टेक्स्ट की बुनियाद पे देना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। हाँ, आपकी आयत जो बता रहे ना वर्स, उसमें ही जवाब है। तो शैतान जिन्नात, पहले आप मानते हैं ये इब्लीस और शैतान जो है जिन्नात में से था, आप मानते हैं? ठीक है, हाँ मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है बताइए आगे। हाँ, तो जिन्नात का ये बड़ा था, वकाना मिनल जिन, तो जिन्नात में से था। तो ये जो ना इब्लीस यानी मुबलिस सुन कहते ही हैं अल्लाह के दीन से, अल्लाह की हुक्म से मायूस, यानी कि नहीं, ये सवाल नहीं है ना, मायूस मायूस यानी कि इब्लीस मुबलिस सुन। देखो आप पूरा बोलने दो एक्सप्लेनेशन जो है। मुबलिस सुन का मतलब मायूस, तो नाफरमान को हुक्म नहीं दिया जाता, अलबत्ता ये देखा जाता है कि नाफरमान को अल्लाह जानता है ये नाफरमान है, ये मायूस है, मेरी नेमत मेरे हुक्म से मायूस है, मुझसे जो है इसको फायदा नहीं होने वाला, ये खुदगर्ज है, आग से बनाया गया और बोलने वाला है, तो नाफरमान को हुक्म नहीं दिया जाता। अलबत्ता ये देखा जाता है कि जब सबको यानी कि ये फरिश्ते और जो जिन्नात वहाँ पे थे जो भी मौजूद थे, तो ये देखा जाएगा कि जो नाफरमान इनके साथ या सजदा करेगा नहीं करेगा, वो देखा जाएगा। तो नाफरमान को हुक्म नहीं दिया जाता भाई, नाफरमान तो नाफरमान ही होता है। ब्यूटी जी, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आदम को सजदा करने का इनकार करने से पहले कौन सी नाफरमानी की थी इब्लीस ने जिसकी वजह से उसे हुक्म नहीं दिया, जरा ये भी बता दीजिए अब आप। और पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए जरा, तो इब्लीस को नाफरमान कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपने कहा मुबलिस सुन के माने गौर कर लो। अरे भाई, मुबलिसून के माने गौर कर लो, शैतान किसको कहते हैं? शैताना। अच्छा यूनिवर्सल, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अच्छा समीर साहब, सवाल ने आप सवाल पे सवाल लेना ना, मेरे जवाब का आप मेरा, मेरे जवाब में सवाल है तो उसका जवाब दो पहले। एक मिनट, ये जलेबी ले लाना तुम। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, कोई आपका नाम चोर रख दे तो जरूरी चोर तुम होंगे? ये मुझ पे ये मिसालें मत थोपो। हाँ, ये मैं आपकी जलेबी जानता हूँ मैं अच्छी तरह से, आपको ये कह दे, आपको कह दे, आपको सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ मैं। शैतवाना और इबलीस, म्यूट करना पड़ रहा है, ये थोड़ा हाइपर हो गया अभी। देखिए, किसी का नाम कुछ रख देने से, देखो भाई मेरी बात सुने ही नहीं, तुम सुने ही नहीं, सुन लीजिए पहले। किसी का नाम कोई कुछ रख दे तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो काम करेगा। मिसाल के तौर पे कोई किसी का नाम जो है वो, यानी मिसाल के तौर पे वो पिक्चर थी ना अमिताभ बच्चन की, जिसके हाथ पे लिख दिया जाता है तेरा बाप चोर है। चोर है जी, है ना। तो इस तरीके से नाम रख देना कोई उसका मतलब अगर कुछ और हो, चोर हो या कातिल नाम हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो देखे ना, इनकी हाँ। दलील भी देखे, कितनी बड़ी जलेबी इन्होंने बनाई। इन्होंने कहा कि इब्लीस को सजदे का हुक्म इसलिए नहीं दिया
क्योंकि वो मुबलिसीन था यानी कि वो नाफरमान था। अरे भाई अगर वो नाफरमान था तो पहले तो उसकी नाफरमानी बताओ कि आदम को सजदा करने से पहले कौन सी नाफरमानी वो किया था, और फिर हाँ। अगर वो नाफरमान था भी तो अल्लाह ने जब पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये नाफरमान है इसको हुक्म नहीं देना, तो जब उसको हुक्म नहीं दिया तो फिर सजा किस बात की दे रहे हैं भाई। बिल्कुल जी, यूनिवर्सल ब्यूटी जी बताइए क्या नाफरमानी पहले की थी, कुरान से बताइए। तो अल्लाह ताला को आप एक फर्ज समझ रहे हो, मजबूर समझ रहे हो कि जो ना ये सब कुछ बताए नाफरमान को नाफरमान। अल्लाह कि मुजरिमों को उस वक्त जो ना सवाल नहीं किया जाएगा कि तू क्या जुर्म किया, अलबत्ता उनकी युअरफुल मुजरिमूना, तो मुजरिमों को पहचान लिया जाएगा, ये सब जो डिटेल उसको ये नाफरमानी की ये जुर्म किया नहीं पूछा जाएगा, अलबत्ता ये जो ना रिकॉर्ड होगा कि नहीं वो खुद मुजरिम की हैसियत से पेश किया जाएगा, उसको मालूम होगा कि मैं मुजरिम की हैसियत से आ गया होगा क्या नहीं होगा। उसका तो जो ना उसका तो रिकॉर्ड होगा लेफ्ट हैंड में होगा, होगा ना, और वो मायूस उस वक्त मायूस होगा, उस वक्त मायूस होगा इबलीस की तरह। यूनिवर्सल ब्यूटी जी प्लीज जलेबी ना बनाए, जलेबी नहीं, तुम्हारा सवाल जलेबी है, मैं सीधे सीधे जवाब दिया। मुबलिसून नाफरमानी आप साबित कर सकते हैं, वो नाफरमान था, मुबलिसून कहाँ है उसकी दलील, शैतान, शैतान का मतलब खिलाफ हक नाफरमान। नहीं लेकिन फिर आपको अगर आपको सारे जिन्नात शैतान नहीं है, सारे जिन्नात शैतान नहीं था ना, उसका नाम शैतान था उस वक्त जब उसको हुक्म दिया गया। अरे वहाँ कह रहा भाई मुबलिसून इबलीस, सुनो भाई काफिरीन भाई जान उसका उस टाइम इल्ला इबलीस बोल रहा ना वहाँ पे इल्ला इबलीस, तो वो नाफरमान की सिवा सारे फरमाबरदार ने सजदा किया। इज़राइल कौन है? वो नाफरमान के अलावा इल्ला इबलीस सारे फरिश्तों ने सजदा किया। मेरा सवाल ये है, अभी क्या कह रहे हो तुम? जवाब मिल गया आपको, आपको सीधे सीधे जवाब चाहिए नहीं चाहिए? जलेबी बना रहे हो, फिर जलेबी सवाल निकालना, मैं जवाब दे दिया, खलास खत्म। मेरा जवाब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुबली सुन, खत्म। सुनिए ना, लोग फैसला कर लेंगे आपने जवाब दिया या नहीं दिया, बात खत्म। जवाब मिल चुका तुमको, कि तुम उसमें घुस रहे हो अंदर, अरे जगह नहीं है तुम। क्या जवाब मिला, क्या जवाब मिला? हमने नाफरमानी मुबलिसून इबलीस नाफरमान इल्ला इबलीस। अच्छा नाफरमान था, एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अगर नाफरमान था अल्लाह का वो, ठीक है हाँ? तो उसको पहले ही बेदखल क्यों नहीं कर दिया जन्नत से? बेदखल नहीं, वो तो जो ना वो मखलूकात में खड़ा हुआ था, जो सारी अकल वाली मखलूक थी, फरिश्ते अकल वाले थे, जिन्नात अकल वाले थे, उनको इख्तियार आजादी दी गई थी। उसको नाफरमानी अल्लाह करने, हंसने की क्या जरूरत है? दिए जा रहा था, हंसने की क्या जरूरत है? किसको नीलाम कर रहे तुम यहाँ पे, हंसने की क्या जरूरत है भाई? यूनिवर्सल ब्यूटी जी बोलो, मेरी बात सुनिए, वो नाफरमान था, ठीक है, जले भी सवाल मत डालो यार, नाफरमान था फिर से जो ना फिर उसमें खो देंगे। आप कह रहे हो ना वो नाफरमान था, तो अल्लाह उनको, अल्लाह मेरा जवाब सही है गलत है वो मेरे को ये सर नो बोलो पहले कैसा? हाँ कैसा गलत है? आपके पास कोई दलील नहीं है या आपकी खुद की बनाई दलील क्या भाई? वो ये नाफरमान के अलावा सबने सजदा किया, वो शैतान, वो नाफरमान के अलावा सबने सजदा किया, जवाब है खत्म, खलास, सिंपल सा आंसर है। वो हमारे भाई साहब बात कर रहे हैं, नहीं उसको हुक्म कहां दिया सजदा करने का? यूनिवर्सल ब्यूटी जी हुकुम ऐसा नहीं दिया जाता, नाफरमान को हुकुम नहीं दिया जाता, देखा जाता है कि जो अच्छा, अच्छा, वो मतलब मना, वो सजदा करने से पहले ही नाफरमान हो गया, ना करने से पहले? नहीं नहीं नहीं, सजदा करने से पहले नहीं, वो ऑलरेडी जो ना जरायम कर चुका था, वो नाफरमानी कर। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, थोड़ा आप अनम्यूट मत करना, आपका लॉजिक है ना बिल्कुल सा भद्दा सा लॉजिक है। अब मिसाल के तौर पे एक यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई टैक्स जो है वो डिफॉल्टर है, वो टैक्स नहीं भरता है, ठीक है? अब क्या उसको, चूंकि टैक्स नहीं भरता है, क्या उसको ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि तुझे टैक्स भरना है? एक्स मुस्लिम समीर साहब, मैंने जो मिसाल दी आपको समझ में आई? जी बिल्कुल आई, यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है। एक इंसान है जो टैक्स नहीं भरता है, डिफॉल्टर है वो, तो क्या अब उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको टैक्स भरना है? क्या उसको नोटिफिकेशन नहीं आएगा? इनके मुताबिक तो नहीं दिया जाएगा।
बस उसके ऊपर सीधे जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं आना है, बस उसको करना है। बाकी लोगों को कहा जाएगा कि आप टैक्स भरो, इसको नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये टैक्स भरता नहीं है, उसको नोटिफिकेशन भी नहीं दिया जाएगा, प्लस उसको उठा के जेल में भी डाल दिया जाएगा कि टैक्स नहीं भरा। हाँ, मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये किस तरीके का लॉजिक लेके आते हैं ये हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी भाई और जो हमारे बाकी मोमिन भाई है। इसीलिए मैंने पहले ही ये बैकग्राउंड में लगा दिया था। जी यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, देखो आप टैक्स पे कर रहे हैं सुपर चैट्स का 40% पे कर रहे अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको नोटिफिकेशन देंगे क्या? आप 30 मार खाए बोल के आपको नोटिफिकेशन देंगे? यूनिवर्सल ब्यूटी साहब मेरा जवाब तो पहले सवाल का, अरे आपकी बात क्या सुना, मेरा जवाब तो मैं ये बोला कि अगर आप टैक्स पे नहीं करे तो आपको नोटिफिकेशन देंगे। रुक जाइए ना जनाब, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। पहले तो ये सुन लीजिए कि सुपर चैट पे आप लोगों की लग गई है नजर, सबसे पहली बात, ठीक है? क्योंकि देखिए कोई भी मोमिन आता है वो बात करता है सुपर चैट की। अच्छा, दूसरी बात, एक सिस्टम ये होता है यूनिवर्सल ब्यूटी जी, जो आप कह रहे हो ना कि 30% आप देते हो या नहीं देते हो, तो होता क्या है कि यूट्यूब जो है वो किसी को ये नोटिफिकेशन नहीं देता है, अच्छे लोग या बुरे लोग। YouTube पहले से ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि हमको भरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां से डिडक्ट कर लेता है। नहीं, कमाई सारी YouTube के पास जाती है, वो 30% काट के ही हमारी जो भी होता है वो बचता कुछता है वो उसको बेचता किसी है, को नोटिफिकेशन नहीं देना पड़ता है कि आधे लोगों को मैं नोटिफिकेशन दूंगा और बाकी लोगों को कुछ लोगों को नहीं दूंगा। सब मिसालें इनकी फेल है। हेलो, YouTube किसी को स्पेसिफिकली किसी को नोटिफिकेशन दे और किसी को ना दे ऐसा नहीं होता है। वो जो भी कलेक्शन होता है, जो भी अमाउंट आता है, ऑटोमेटिकली सबका जो है पैसा उसमें से 30% जो है वो डिडक्ट हो जाता है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, फिर से आप एक बार फेल हो चुके हैं। कोई दूसरी बात देखो, अब ये टैक्स की बात छोड़ दो, कोई आदमी अगर चोरी करा, कोई आदमी कोई शख्स चोरी करा, क्या उसको नोटिफिकेशन देंगे? बिल्कुल, उस पे केस चलेगा। नोटिफिकेशन देंगे क्या चोरी से पहले? हाँ, चोरी से पहले। हाँ, जाता तुझे, उसको, तुझे चोरी नहीं करना है उसको, उसको चोरी करने से पहले क्या उसको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अगर तू चोरी करा तो जो है? चोरी से पहले नोटिस, चोरी करने के बाद नोटिस मिलेगा उसको, और उसको अरेस्ट करने से पहले चोरी करने के भी दिया जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, जब उसने इंकार किया तो उसको खत्म, उसको नोटिफाई सारे फरिश्तों को मालूम हो गया कि नाफरमान था। एग्जैक्टली, यही तो हम आपको लाना चाहते थे। तो अल्लाह ताला जाहिर करने के लिए उसको जो ना जाहिर करने के लिए उसको हुक्म दे दिया, यही तो हमारा। अरे बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे यार, मेरे को बोलने दो यार। देखो जवाब सुन लो मेरा, बोलिए बोलिए। उसको नहीं, उसको हुक्म नहीं देने का मतलब ये है कि सारे फरिश्तों को मालूम हो जाए। फरिश्ते समझ रहे थे कि बहुत बड़ा बंदा है ये, बहुत बड़ा इबादत करने वाला, अल्लाह का हुक्म मानने वाला। दलील, दलील, दलील क्या वहां पे? मुबलिसून दलील है। नहीं नहीं, फरिश्ते, आपने कहा कि फरिश्ते समझ रहे थे कि बहुत इबादत करने वाला है। अरे उसकी दलील दी, वो शैतान था, दलील है। नहीं, शैतान पे दलील नहीं मांगा ना मैंने। अरे क्या हर बात पे? अरे तुम्हारी अकल भी तो, तुम्हारी अकल भी तो है नहीं है, जेब में रख लिया क्या? ये अकल मैं कहां से लगाऊं जब मैं वहां पे था ही नहीं? तो कुरान को अकल से समझा जाता है, तुम जैसे देखो तो यहाँ पे शैतान नाफरमान को मुझे म्यूट करना पड़ रहा है आपको। ये प्रॉब्लम ये है कि एक चीज को सही साबित करने के लिए आप दूसरा जलेबी बनाओगे, दूसरे से बचने के लिए तीसरी जलेबी। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहिल भाई, आपकी आवाज चली गई है। नीचे से कमेंट करें साहिल भाई की आवाज मुझे नहीं आ रही कि आप लोगों को भी नहीं आ रही है। हेलो, नो वॉइस। जी साहिल भाई की आवाज चली गई है।
लगता है उनका कुछ मसला हो गया है साहिल भाई का। यूनिवर्सल ब्यूटी जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही आ रही। हाँ जी साहिल भाई का कुछ थोड़ा सा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो अभी आ जाते हैं, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। एक कंट्री में जितने लोग हैं वो सारे लोगों को क्या नोटिफिकेशन देंगे? चोरी करना है गलत है, और चोरी करना चोरी अगर करेंगे तो जना तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, सबको नोटिफाई करेंगे। देखिए सर, अभी यहाँ पे सुनिए मैं बता, देखिए पहले तो आप आराम से बात कीजिए, प्यार से, हम लड़ने नहीं बैठे आपसे, आप भी प्यार से बात कीजिए। दूसरी बात यह है कि साहिल भाई यहाँ पे सवाल जवाब को समझ कर भी जवाब समझ कर भी सुन लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जवाब समझने के बाद भी अगर तुम मकारी करेंगे तो गुस्सा आएगा ना। अरे यार आप सुनते नहीं हो किसी की, पता है बोलते चले जाते हो, कोई क्या बोल रहा है आपको कोई मतलब नहीं, अपनी बात तुम खुद कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे साहिल भाई नहीं है मॉडरेट करने के लिए, तो आप थोड़ा सा ना स्ट्रीम का लिहाज करते हुए अगर आप एक सवाल या एक बात रखेंगे उसके बाद आप दूसरे इंसान को मौका दें। जी आ रही है साहिल भाई, तो आप दूसरे को मौका दें तो ऐसे जो है ना एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। यूनिवर्सल अगर आप ही आप बोलते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का। जी बात करें साहिल भाई। यूनिवर्सल ब्यूटी जी मेरी बिल्कुल बिल्कुल क्या कुछ अब इंटरनेट खा गया क्या? वकास जी आप अपनी साइड से म्यूट कर लें, आपकी साइड से बहुत शोर आ रहा है। वकास भाई म्यूट योरसेल्फ, को बोलेंगे जना इंटरनेट सही करो। वकास साहब अपना म्यूट कर लें। जी थैंक यू जी। हाँ बोले ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं सैयदा ईशा जी कहाँ है, उनके इल्म की रोशनी से हम सब क्यों महरूम है अब तक। बिल्कुल वो अगर सुन रही है सैयदा जी तो मैं तो चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। यूनिवर्सल ये कह रहा था कि यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि फरिश्ते उसको यानी बड़ा इबादत गुजार समझते थे। इसकी मेहरबानी करके यूनिवर्सल ब्यूटी जी आप दलील दे दे कुरान की रोशनी से। अरे वो तो फरिश्तों और जिन जो ना साथ साथ में थे वो आग से बनाया गया, ये नूर से बनाए गए, लेकिन एक तो सब साथ में थे, तो ये नाफरमानी कर रहा था लेकिन जो ना कुछ अपनी हवा भी जमा रहा था फरिश्तों में, तो फरिश्तों को जो है फरिश्तों को मालूम हुआ जब ये नाफरमानी करा तभी मालूम हुआ, उससे पहले नहीं मालूम था। क्यों किसी की टो में रहेंगे भाई, अल्लाह सामने लाएगा तो मालूम होगा ना यार। एक्स मुस्लिम समीर साहब मेरी आवाज आ रही है? इंडिया में कितने लोग रहते हैं तो चोरी करने से पहले क्या? ये यूनिवर्सल ब्यूटी जी मुझे लगता है ये आपके आपके बस की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप जो भी बात कहें उसकी दलील दे आप। आपने कहा फरिश्ते को ऐसा लगा कि ये रुबाब झाड़ना चाह रहा है, ये यानी ये बड़ा इबादत गुजार है, इसकी दलील मेहरबानी करके दे। बिना दलील के हम आपको मौका नहीं दे सकते, ये लास्ट मौका मैं आपको दे रहा हूं। कोई दलील है आपके पास इसकी? दलील का मतलब क्या है? चलो बोलो रेफरेंस। क्या दलील? कुरान से रेफरेंस। क्या रेफरेंस? कितने रेफरेंस? दफ्तर हो जाएगा, डिपार्टमेंट हो जाएगा। समझ रहे थे कि इबलीस एक ही हिस्से में। हाँ ठीक है आयत पेश करिए। कह रहे हैं आपसे साहिल भाई ये कह रहे हैं कि जो बात आपने बोली है कि फरिश्ते उसको इबादत गुजार समझते थे और वो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाह रहा था, ये बात कुरान में कहीं आई है या नहीं? और अगर आई है तो वो आयत आप पेश करें। साहिल भाई आपसे ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जी, अब इधर उधर ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ना, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वो शैतान था, इबलीस था, नाफरमान था, और नाफरमान को हुक्म ये दिया जाता, बस मेरा जवाब है। नाफरमान को पहले खुद कहा है, नाफरमान को हुक्म ही दिया जाता, मेरा जवाब सिंपल है। अगर समय में आया समय में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। नहीं नहीं एक मिनट, तो यहाँ पे आके जो चीज की दलील ना हो मेहरबानी करके वो दलील क्या है? शैतान और इबलीस दलील है, बस खत्म। वो शैतान था, दलील शैतान था नहीं जनाब। आपने कहा ना फरिश्ते समझ रहे थे कि वो बड़ा इबादत गुजार है, या आपने वो फरिश्तों में वो अकल रखने वाला भी था, फरिश्ते भी अकल रखने वाले थे, ये भी अकल रखने वाला था, दोनों मखलूक थे, ये अकल मखलूक थे, वो आग से बनाए गए, ये नूर से बनाया गया, अल्लाह ताला फरमा रहा कुरान में।
यूनिवर्सल मैं आग से, मैं जिन्नों को आग से बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया, दो भी मेरे मखलूक थे। बात वापिस लेते हैं कि मैंने ये बिना कोई दलील के ही अपनी मर्जी से कह दी। दलील की जरूरत नहीं है, आपका कॉमन सेंस, ये कुरान के, कुरान को समझने का तरीका है, आपका रखना सामने। कहां से आ रहा है कॉमन सेंस? कॉमन सेंस नहीं, जब आदमी को अकलमंद को इशारा काफी है। नहीं, कहां से ये अकल, कहां से? कुरान इशारे देता है, कुरान इशारे देता है। अगर आपके ऐसा कर तफसील दलील, तफसील अगर दलील लग दिया ना तो पूरा डिपार्टमेंट हो जाएगा। यार सभी किस किस को दलील सुनना है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, यूनिवर्सल ब्यूटी से दलील चाहिए प्लीज। इशारे दे रहा है, कहां इशारे दे रहा है? वो इशारे का इशारा ये है कि वो शैतान था बस। नहीं, फरिश्ते समझ रहे थे कि इबादत गुजार है, ये इशारा कहां से मिला है? ये बात नहीं है, वहां पे सब बंदे थे बस खत्म। तो क्यों कहते हो यार यूनिवर्सल बंदे किसको बोलते? बंदे किसको बोलते? वो जिन्नात में था, ये फरिश्ते थे। फंसा नहीं, आप फंसाने की अगर कोशिश करें तो हम फंसते नहीं, हम निकल जाते आराम से। ये आपने कमेंट भी देख लिया लोगों के, लोग कितने आपसे दलील मांग रहे हैं, दलील 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 की। अगर तुम दलील दलील अकल के कच्चों को जो ना दलील अगर देंगे पूरा दफ्तर हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं मानेगा बस। लेकिन हम तो दलील दे रहे हैं आपको, फिर भी आप नहीं मान रहे। दलील चाहिए। अगर आपको शैतान बोल दे, अगर आपको शैतान बोल दे, फिर भी दलील देना चाहिए कि आप शैतान। दलील चाहिए हमारी, आपको एक ही है। हमने जिस बिना पे उसको शैतान बोला गया कि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने वो हुक्म उसको कुरान में कौन सी आयत में दिया है, हमारा सवाल ये है, वो आप नहीं बता रहे। उस सारे बंदे थे, उनका बात मानना ही था, हुक्म मानना ही था। बंदे कौन, बंदा कौन था वहाँ? बंदा वो इशारा है उसमें के जो ना ये शैतान इबलीस था, नाफरमान था, उसने हुक्म नहीं माना। अरे जनाब फरिश्ते थे वहाँ पे और जिन था, बंदा कौन था वहाँ, इंसान कौन था? एक आदम था। अरे अल्लाह की ये सब मखलूक बंदे ही कहलाते हैं, सब फरमाबरदार कहलाते हैं, लेकिन ये नाफरमान इबलीस था, इल्ला इबलीस। वो नाफरमान कब हुआ? नाफरमान था ही तो जो ना ये हुक्म नहीं माना। अच्छा, इल्ला इबलीस, इबलीस पढ़ा ही इसको नाफरमानी। नाम इबलीस कब पढ़ा ये बता दीजिए। इबलीस नाम पढ़ा ही नाफरमानी के लिए बस, खत्म। मतलब अल्लाह ने एक नाफरमान, ये अल्लाह जानता था, ये अल्लाह जानता था, बताने की क्या जरूरत है? यूनिवर्सल ब्यूटी जी एक मिनट। अच्छा, इबलीस नाम किसने रखा, अल्लाह ने रखा या इबलीस ने खुद ने रखा? जो नाफरमान होता वो अल्लाह की नेमत से मायूस होता, दीन से मायूस होता, उसको इबलीस कहते हैं, मुबलिसून। नहीं, एक मिनट, ये नाम किसने रखा इबलीस का? ये नामकरण उसके अमल से होता है, खुद ने किया था। नामकरण उसके अमल से होता है, जब उसने नाफरमानी की, उसने हुक्म माने से इनकार कर दिया, तभी उसका नाम इबलीस मशहूर हो गया, खत्म। नहीं, किसने रखा भाई? उसको कहा गया कि वो इबलीस है, खत्म। ये इतनी देर से खत्म। अरे नामकरण किसने किया, इबलीस अब तक शुरू भी नहीं कर। नामकरण क्या भाई, नामकरण खतना, नामकरण सब जो ना लिखा जाता क्या भाई, तुम इबलीस बोलते समझ जाना नाफरमान। यूनिवर्सल मिट्टी जी आपसे नहीं हो पाएगा, प्लीज आपसे नहीं हो पाएगा। आप जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सुराख नहीं दे रहा हूँ घुसने के लिए। गया आप बोल रहे हो ना यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये आप अभी कहा ना, एक मिनट, आपने ये कहा कि ये कहा गया इबलीस, कहा गया किसने कहा ये इबलीस, नाम किसने दिया है? अल्लाह ने दिया ना इबलीस, खत्म। नाफरमान जैसी हुक्म की नाफरमानी किया, अल्लाह ने दिया ना, इबलीस दे दिया उसको नाफरमान। अभी भी अगर नाफरमानी करेंगे तो नाम उसका इबलीस ही दिया जाएगा। कब उसने नाफरमानी की इबलीस ने? जब उसको, जब जो सबको जो ना खड़ा करके सजदे का हुक्म मिला, तो इसका काम था नाफरमान था भी तो, मायूस था भी तो, मायूस था भी तो, उसको अगर सजदा करता तो अल्लाह माफ कर देते। अच्छा, ये नई बात है क्या? साहिल भाई पहली नाफरमानी, ये कह रहे हैं इनके पास ये भी चीज है कि वो बार बार गलती करता था और सजदा करता था, अल्लाह माफ कर देते थे उसको, लेकिन हाँ, उनके पास एक भी दलील नहीं है कि वो गुनाह क्या किया उसने इससे पहले। दलील की जरूरत नहीं है, जिस वक्त हुक्म दिया गया अगर वो नाफरमानी करे तो उसको इबलीस और शैतान ही कहा जाता है।
खत्म। अरे तो जनाब आप समझ लो इस बात को, क्या दिया वही तो हम आपसे कब से पूछ रहे हैं। कुरान में ये आया तो मैं बता रहा, इल्ला इबलीस समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे यार क्या आदमी हो, समझ नहीं रहे आप, आप पैजामा हो, समझ रहे नहीं मेरी बात को। इल्ला इबलीस वो नाफरमान के सिवा सब फरमानबरदारों ने सजा किया, खत्म खलास, यही बात थी। अरे मेरे इतनी बात समझ नहीं आ रही। अरे मेरे भाई सुनो मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह आलिमुल गैब नहीं है। अरे अल्लाह आलिमुल गैब है, कौन क्या कर रहा है सो मालूम है अल्लाह को, इनके बस अल्लाह को मालूम है कौन नाफरमान है कौन नाफरमान है ना, इनके पास दलील है। फालतू में जलेबी बना रहे हैं, तमीज गीमीज क्या जरूरत है आपके मुताबिक, आपके मुताबिक जो ना हम छोटे बनते रहे बात को तो अच्छा लगेगा। हम आपसे कितने प्यार से बात करते रहोगे, जी जी करके बोल रहे हैं और आप किस तरीके से तो बार बार सवाल नहीं डालना ना, बार बार सवाल नहीं डालना, एक ही बार सवाल सवाल को इशारा काफी होता है भाई। हम सवाल पूछेंगे आपको, सवाल का जवाब है तो दो, नहीं है तो खल्ली क्या सवाल है बोल दो, नहीं है क्या सवाल है नेक्स्ट, क्या सवाल है चलो आगे बढ़ो। नहीं पिछले पे तो आ जाओ पहले, नेक्स्ट पे तब जाऊंगा, फिर पिछले यही है पूरी अभी पूरी रात एक ही सवाल पे। अच्छा मेरा पिछला सवाल क्या था बताएंगे आप, क्या था पिछला पूरी? चलिए ये असल में यूनिवर्सल ब्यूटी साहब के बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया है, क्योंकि एक सब कहेंगे इनके पास दलील नहीं होगी और दलील के बिना पे हम इन्हें कैसे मौका दें, कुछ भी अपनी मर्जी से बोलते रहे, दलील से अपनी बात रखिए ना। खलील अहमद साहब फिर से जुड़े हैं, आपका इस्तकबाल है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आवाज आ रही है। खलील अहमद साहब कहाँ से हैं आप? जी मैं इंडिया से, तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से। जी जी तो, किस मसले से आपका ताल्लुक है खलील साहब? माफी चाहूंगा, मसलक तो नहीं, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, क्योंकि कोई अच्छा। स्पेसिफिक मसलक से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है। और इस आयत के बारे में मैं ऑलरेडी ये शो देख रहा हूँ आपका लाइव जी, तो क्योंकि इसमें डिबेट ये बात पे है कि वहाँ पे शैतान को भी बोला गया है या नहीं बोला गया है, मसला ये है कि वो कुछ लोग कहे, ये एक सवाल है उसमें से। नहीं नहीं वो ठीक है, यहाँ पे लोग प्रूफ एक तरफ प्रूफ करने पे लगे हैं कि नहीं ही बोला गया है, और कुछ लोग बोला गया है बोल के प्रूफ करने पे लगे। ओके ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर एकदम, जो भी है क्लियर। नो क्वेश्चन ये है कि अगर उसमें अल्लाह को पता है कि शैतान सजदा नहीं करेगा, थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं आप खलील अहमद साहब? जी 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 अभी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है जी। मसला ये है, चलो अज्यूम करके चलेंगे कि शैतान को अल्लाह ने बोला, शैतान को भी बोला है, तो जो नाफरमानी करने वाला है उसको क्यों बोला है ऑलरेडी, जब उसको इल्म है तो उसका मसला यहाँ क्यों आता है? ऑलरेडी वो नहीं करने वाला है, उनको पता है, जब उनको पता है तो यहाँ पे इनको ऐड करने की जरूरत क्या है फिर? बिल्कुल नहीं, मैं मेरा ओपिनियन यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जो भी है नहीं, नहीं, समझ गया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है खलील अहमद, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए दो पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही कहा, आप पहला पॉइंट मिस कर दिए हैं लेकिन वो भी जरूरी है कि पहली बात तो अगर अल्लाह ने हर किसी को हुक्म दिया था तो वाज़े तौर पे साफ अल्फाज में अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि आदम को जितनी मखलूक भी उधर मौजूद थी जब अल्लाह ने बनाया था ऑलरेडी आदम से पहले, हजरत आदम से पहले अल्लाह को कहना चाहिए था कि मैं सब मखलूक को हुक्म देता हूँ। सही कह रहा हूँ खलील अहमद साहब? जी जी सही है, है ना, सही तरीका ये था ना कि आदम के अलावा जितनी मखलूक है मेरी वो सब सजदा करो, लेकिन अल्लाह वहां कह रहा है मलाइका को मैंने हुक्म दिया, तो यहाँ पे बात अपनी अल्लाह ने अधूरी, तो आपने ये मिस कर दिया था, इस बात पे भी आप गौर करिए। और दूसरी बात जी, वो जब अल्लाह को ऑलरेडी मालूम था कि ये नाफरमान है ये नहीं करने वाला, तो अपने आप पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बात समझना है ना, वो बात में अगर वो मिला रहे तो उनको समझना है ना। दूसरा खलील साहब, मैं ज्यादा तो इस पे जी देखिए, हमारे जो बहुत मैं सलूट करता हूं हमारे खलील अहमद साहब जैसे मुसलमानों पर, कम से कम लॉजिक तो है उनके जहनों में, एक मुसलमान है वो, लेकिन इतना तो सोच रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। जरा एक समीर साहब मैं करेक्ट करना चाहूंगा, हेलो
जी हेलो जी खलील अहमद साहब बताइए। जी जी ऑफ कोर्स आप टाइटल पे मत जाइए, नॉर्मली हमारा। अच्छा थोड़ा जोर से बोलिए आप। हेलो आवाज आ रही है अभी? हेलो धीरे आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। एक मिनट माफी चाहता हूँ, एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट। मैं आपको नाम या टाइटल पे मत जाइए एग्जैक्टली कि मैं किस तरफ से सोचता हूँ या कौन हूँ, बट एग्जैक्टली मैं बात बोलता हूँ आपको। इंसान को अगर हमें रिलीजियस या किसी भी टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं है, पहले अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। हेलो साहिल भाई। हेलो आकाश खान साहब क्या कहेंगे हमारे खलील खलील अहमद साहब के लिए? जी मैं एक बात कहता हूँ, मुझे जाना है। देखो जी अब मैंने बात कंप्लीट नहीं किया, आपका दो ही सवाल था कि क्या अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इबलीस जी शैतान को सजदा करने का हुक्म दिया या नहीं दिया, और ये सवाल था कि ये जब फरिश्तों को कैसे पता चला कि ये जमीन में फसाद हो जाएगा, यही दो सवाल थे ना। देख तीसरा सवाल ऐड ये हुआ था कि अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि मैं दुरुस्त करने वाला हूं। आप बीच में बोले ना, पहले तो यही दो सवाल था ना। उसमें ये भी एक देखो सवाल आ जी गया, आप बीच में मत कूद, सवाल तो कई सारे थे पहले इसमें। दो सवाल आप तो फिर तो कहेंगे यार ये कौन सी मिट्टी से बनाया, ये भी आप बोलेंगे तो आप किसका जवाब लोग देगा। लेकिन इसी आयत में जो है ये बिल्कुल, मैं यानी फिर कोई जवाब दोहरा आपके दो पास है उसमें नहीं जो आप दूसरे वाले सवाल से आप दूर भाग रहे हैं। यार पहले दो सवाल कंप्लीट करने दो फिर सवाल करेंगे, मुश्किल नहीं है। पहले जो इसी आयत में किसी का नाम नहीं लिया है, न फरिश्तों का और न उसके ऊपर इबलीस लिया का, है हर उसमें जमा का यार वो बात बनाने का, उसे बनाने का है उसके। यार यार ये मुझे कंप्लीट करने दो। उसी आयत में इन्नी खालिकुन है उसको मैं उसमें बनाने का है, नीचे जो आयत है उसमें सजदा सूरे करने का बकरा, हुक्म है। सूरे आप थोड़ा यार बकरा में मुझे क्या कंप्लीट है? फिर अगली आयत सबर करो यार, फिर अगली आयत में कहा है सूरे बकरा फसजदल में क्या मलाइका है? तो कुल्लुहुम अजमाइन। यार मुझे कंप्लीट करने दो साहिल भाई, फिर आप जो कहे मुझे मुश्किल नहीं है। ठीक है सब के सब बोलिए। ने सजदा किया इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया, इस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया उससे, قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فرمایا اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام كنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے کے والا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم نہیں ہوا سجدے کا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں سنا اور نہ سجدے کا حکم، اس نے ڈاری کہا قال انا خیر منه، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وہ خلق تو من طین، اور اس کی اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے حکم نہیں دیا، سمجھ میں آیا؟ اور جو دوسرا سوال ہے کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا، تو یہ سورۃ کہف میں ایک آیت ہے کان من الجن ففسقا، یہ ابلیس یہ شیطان یہ جن میں سے تھا، تو فرشتوں کو پتہ تھا پہلے، یہ فرشتے بھی تھے یہ جنات بھی تھا پہلے، زمین پہ نہیں تھا آسمان پہ تھی سب، تو ادھر اس کو پتہ تھا یہ لوگ جھگڑے وغیرہ کرے، تب ادھر فرشتوں نے بولا کہ اتجعل فیها من یبصر فیها ویسفک الدماء، جو سورۃ بقرہ میں بتایا، اس لیے کہ یہ تم ایک ایسے لوگ پیدا کرتے جو زمین پہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہلو جی ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں ہو گیا۔ जी अब बोलिए। ठीक है मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपने बात तो रख दी लेकिन बात में आपके दम नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि सूरे बकरा की जो आयत है वहां पे भी साफ लिखा है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है। ये देखिए सूरे बकरा की जो आयत है ये है, अब मुझे यहाँ थोड़ा पर सा बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। ये देखिए जब हमने और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया, यहाँ तो सीधी सी बात है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया, यहाँ पे तो कोई मिट्टी से बनाने की बात नहीं हो रही है। देखो कुरान करीम में 7 जगह आदम अलैहि सलाम का जो कहानी है लिखा हुआ है, आप एक एक जगह नहीं जगह उठाएगा बता आप दे सब के, किस एक मिनट वकास खान साहब जो नहीं 7 जगह आप बता रहे हैं
वहां किसी एक आयत में बता दे जहां पे अल्लाह ने ये कहा हो कि हमने फरिश्तों और जिनों को हुक्म दिया, मेहरबानी होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो आप कुरान करीम से मुझे ये बताइए कि इबलीस ने कहा कि मुझे हुक्म नहीं हुआ, ये मुझे मुझे बताइए बस। नहीं होने की कोई दलील नहीं होती ना, नहीं उसने डायरेक्ट कहा कि मुझे आपने मिट्टी से बनाया, ये नहीं कहा कि मुझे हुक्म ही नहीं हुआ, यही दलील है, सबसे बड़ी दलील तो यही है। क्या उसका रीजन बता दिया ना हमने शुरू में ही कि क्यों नहीं कहा उसने, और ये हम नहीं, नहीं आप अपने तरफ से कुछ मत बताइए मुझे, मैंने क्या कहा, आप मैं तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप जो है तफसीर में जाकर के जब पढ़ोगे इस्लामिक स्कॉलर की मां साहब, उन्होंने ये लिखा है कि उसने इनकार इसलिए नहीं किया वहां पर, इब्ने इशाक ने अपनी तफसीर में लिखा है, खोल के पढ़िए इब्ने इशाक की तफसीर। अच्छा मुझे एक बात बताइए वक्कास खान साहब, मैं आपसे ये कहूं कि आपके बाजू में अमिताभ बच्चन नहीं है, ठीक है, आप मैं कहूं मुझे गलत साबित करो भाई। आप मैंने पहले कहा कि कुरान करीम कहता है पैजा फरक ना हो फतबे कुराना, एक आयत से या एक दो हर्फ से नहीं समझना है, आप पूरी कुरान करीम को सामने रख कर कि क्या लिखा है, कहा क्या लिखा है, सब समझ में आएगा। तो बता दीजिए वो आयत बता दीजिए जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि हमने फरिश्तों और जिनों को हुक्म दिया सजदा करने का। मैंने पहले बताया भाई, मैंने तो पहले बताया ना, आप समझ में नहीं आ रहे, उसमें जमा का सीगा लेकर आया है, जमा का सीगा, दोनों को हुक्म हुआ, फिर अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों ने सजदा किया सबके सामने, दोनों को हुक्म दिया कहां कहां है, ये 72 आयत है सूरत स्वाद की, और उसमें फकऊ लहू साजिदीन, जो फकऊ का सीगा है वो जमा का सीगा है, ऊपर उसके ऊपर जो है साफ साफ लिखा है ना मलाइका को हुक्म दिया, मैं कह रहा हूँ एक आयत बता दे, मुझे एक भी आयत ऐसी है कि नहीं है, चलिए बता दे, आपके बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है, इसमें काम कर रहा हूँ ना, जो ऊपर वाले आयत है भाई उसमें इन्नी खालिकुन है, उसमें बनाने के लिए बोल रहा है, जो नीचे आयत है उसमें सीधा करने का बनाने के लिए बोल रहा है, बनाने के लिए बोल रहा है, वो फरिश्तों से बोल रहा है, लेकिन नीचे जो है वो सीधा करने का हुक्म है, जिनों को क्यों नहीं बोल रहा है अल्लाह बनाने के लिए भाई, आप ये ला यसअलु अम्मा यफअल व हुम यसअलून, आप कौन हो अपने रब से पूछने वाला, अल्लाह कह रहे तुम कौन हो मुझसे पूछने वाला, तो आप फिर अपने मर्जी से कुछ भी बताने वाले कौन है, अल्लाह से बताइए ना, तो अल्लाह ने तो यही कहा ना, इन्ना अल्लाह यहकुमु मा युरीद, जो मैं चाहो, किचन में है क्या, हाँ वही समझ लिए, हाँ जी जी मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो जी खलील साहब, अच्छा खलील साहब आप मुस्लिम है जी, नाम तो वैसे ही है जैसे आप समझो, नहीं नहीं देखिए ये गोल घुमाने वाली बात ना करिए, नहीं 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं किसी से चीज से मैं मेरा बिलीफ नहीं है, पहले मैं मुसलमान बड़ी एक सोचता था, कुरान को पढ़ता था, जाकिर नायक से भी मैंने बयान सुने हैं बहुत सारे, और बहुत हाँ। सारे इस चीजों से गुजरा हूँ मैं भी, बट आई आपको पैदाइशी मुस्लिम है क्या वो पूछ रहा हूँ, जी जी पैदाइशी जो है आगे बढ़ते गए, और फिर मैं जैसे जाकिर नायक है या उनके और भी मौलाना है या फिर अहमद दीदात है, इनके जो लेक्चर्स है वो लेक्चर सुन के काफी क्यूरियोसिटी जागी, और फिर जैसे रिसर्च करना शुरू हुआ तो अल्टीमेटली आई फाउंड ओनली वन थिंग कि सच्चाई के लिए, सच के लिए दो पैर, सच कभी भी डर या लालच पे नहीं ठहरता, और सच को समझने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस थिंग। ये कौन सी उम्र में आपको समझ में आए, कितने साल के थे आप कुछ बता सकते हैं? 22 में मेरे को लगा, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं अच्छा, प्रोफेसर, तब तक आप नमाजें भी पढ़ते थे खलील अहमद साहब? दैट इज बाय डिफॉल्ट वो तो करना ही पड़ता है, कल्चर ट्रेडिशन। सूरे फातिहा सुना सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, अगर आप बुरा ना माने तो? जी क्यों नहीं, बेशक बुरा माने क्या बात है,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये सूरह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी बात है कि आप 22 इयर्स तक आप एक बॉर्न मुस्लिम थे और आप जाकिर नायक MBBS को आप सुनते थे, अहमद देखते थे, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है हाँ बढ़ती गई। तो फिर उसके बाद फिर आपको ये समझ में आया कि सच बताने के लिए डर और लालच की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जी उसके बाद, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे व्यूअर्स को कि हमारे खलील अहमद साहब के लिए एटलीस्ट एक गुलाब भेज दीजिए अपने कीबोर्ड से। और उन्होंने एक टेस्ट भी पास किया है, उन्होंने सूरह फातिहा भी पढ़ के दिखाया है। जी खलील अहमद साहब बताइए। शुक्रिया शुक्रिया जी। एक्चुअली ऑलरेडी मैं मीनिंग के साथ पढ़ने की मेरी ख्वाहिश थी, खास करके कुरान को, सो आई स्टार्टेड डिगिंग इन दैट। देन उसके बाद बाइबल हो या फिर वेदास हो या भगवत गीता हो, देन आई ट्राई टू डिग ऑल ऑन दिस। आई फाउंड द कॉमन थिंग, ये सारे किताब में कॉमन थिंग है, वो ये है कि डर और लालच, जो खुदा का डेफिनेशन है, ये दोनों के अंदर ही महदूद हो जाता है, डर और लालच। okay. अगर डर और लालच को निकाल दिया जाए, यू कैन नॉट डिफाइन गॉड, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं। ओके, सो तो ये खलील अहमद साहब, तो यानी आपको जब ये फीलिंग आई कि इस्लाम में डर और लालच जो है इसका सहारा लिया गया है, तो आपने हाँ सभी में, लेकिन चूंकि आप इस्लाम से बाहर निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ज्यादा इंक्लिनेशन है वो इस्लाम की तरफ से निकला होगा। तो आपने फिर क्या किया, मतलब कुछ उलमा से आपने राब्ता किया, उनसे कुछ पूछा कि ऐसा क्यों है, या बस अपनी समझ के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा था आपने इस्लाम छोड़ दिया? मेरा कॉमन सवाल था लोगों से, मेरा कॉमन सवाल था, सवाल ये था कि अगर फ्यूचर अल्लाह को पता है, अगर फ्यूचर अल्लाह को पता है तो ये दुनिया बनाने का मकसद नहीं है, और अगर फ्यूचर नहीं पता है तो उसका अल्लाह होने का कोई मकसद नहीं है। सही बात है, बहुत जबरदस्त। दोनों ही केस में खत्म हो गई बात वहीं खत्म हो गई दोनों केस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि फ्यूचर अगर पता है तो उसको बनाना ही नहीं चाहिए था, यानी फ्यूचर ऐसा बनाता जिसमें सब चीजें अच्छी होती, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं, अच्छी होने का बात नहीं, बात यह है कि हमको जो बताया जा रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, ये पहले से तय है। पहले से तय, हमारे पैदा नहीं होने से पहले से तय है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम कहाँ जाने वाले। हम अमल बाद में करेंगे ना, हम जब पैदा भी नहीं होंगे ना, जब हम पैदा ही नहीं हुए, लेकिन हम उसको पता है कि हम कहाँ जाएंगे, करेक्ट। तो इसका मतलब जो हम गुनाह करेंगे वो हम इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमारी मर्जी है, वो गुनाह करेंगे कि वो डिटरमाइन डेस्टिनेशन है। अगर डेस्टिनेशन डिटरमाइन है तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग ऑल दिस। और अगर डेस्टिनेशन अगर मालूम, चलो मान लिया जाए फ्यूचर नहीं पता है, तो खुदा होने का मतलब ही नहीं है। क्या सच है, क्या पहली बात सच है या दूसरी बात सच है? बिल्कुल क्वेश्चन जो है ना, मेरा ये क्वेश्चन मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो मेरे माइंड को स्टक कर गया, जो कॉमन लॉजिक और सेंस से बताता है कि नथिंग, यू कैन नॉट डिफाइन गॉड। जी अलजेब्रा जी कह रहे हैं इतना अंदर चला गया जन्नत में बाहर निकल गया। बिल्कुल आपकी, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे साथ कुछ और भी कॉलर हैं, देखते हैं इनके पास कोई जवाब है या नहीं है। शकीली खान साहब आपका इस्तकबाल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप मुस्लिम नहीं है? जी सर, जी सर, आपसे कई बार बात भी हो चुकी है मेरी। जी मुस्लिम नहीं है सर? नहीं मुस्लिम है सर। अच्छा, नमस्कार कर रहे हो तो थोड़ा सा डाउट होता है ना। नहीं सर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं 90 में ही अलविदा कह चुका था इस्लाम को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए हम मौका देते हैं। अगर आपको कुछ शॉर्ट में अपनी बात रखना है तो प्लीज आप रख के इस्लाम तक ही रखना अपनी बात,
आप उसको बोल के फिर लीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें मोमिन भाइयों को भी मौका देना है, हो सकता है उनके पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट हो आज के टॉपिक पर। नहीं, मैं छोटा सा एक क्वेश्चन है उसके विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जी क्वेश्चन मेरा यह है कि एक सजदा वाली जो बात आ जाती है, तो सजदा इबादत का ही एक पार्ट होता है और ये एक पूजा जैसा ही है, पूजा करने जैसा ही है। जी तो हाँ, तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को मिट्टी से बनाया था और फिर फरिश्तों को बोला कि आप इसको सजदा करिए, तो वहां तो वो एक शिर्क वाली बात आ रही है। और शिर्क को पूरे कुरान में देखा जाए तो सबसे बड़ा गुनाह कहा जाता है। तो अल्लाह ही शिर्क के लिए पहले अलाउ देता है, अनुमति दे रहा है, और बाद में फिर उसको सबसे बड़ा गुनाह भी बना रहा है। तो ये बात सोचने वाली है ना कि कैसी कंट्रोवर्सी बिल्कुल पाई जा रही है। नहीं, इसका फिर वो जवाब यूं देते हैं कि जो आदम को जो सजदा करने के लिए कहा था वो एक ताजीमी सजदा था, जो कि अभी वो भी नहीं अलाउड है। तो बोलने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए तो हमारे मोमिन भाई के पास बहुत सारी चीजें। नहीं तो शिर्क की जो शुरुआत करा रहे हैं तो अल्लाह ही तो करा रहे हैं ना शिर्क की शुरुआत। तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो कोई एक ताज आवाज आ रही है आपको? जी, बोलिए। हाँ हेलो, मैं कह रहा हूं बोलिए। कि मोमिन भाई कहते हैं हमारे कि ये जो आदम को जो सजदा करने का हुक्म दिया था अल्लाह ने हजरत आदम को, ये एक ताजीमी सजदा था, ये एक रिस्पेक्ट वाला सजदा था, ये इबादत वाला नहीं था, इस तरीके से कहते हैं। अच्छा। तो ये जो मैं अरबी या उर्दू नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता हूँ, तो हिंदी इंग्लिश ये ज्यादा बेटर जानता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सजदा और पूजा में क्या डिफरेंस है फिर। सजदा जिसको बोलते हैं हम सजदा करना, और एक होता है दूसरे रिलीजन्स में पूजा करना बोलते हैं, तो इस पे फिर डिफरेंस क्या है भाई। वो डिफरेंस भी तो क्लियर होना चाहिए कि सजदे में और पूजा करने में ये डिफरेंस है। इबादत करने में और सजदा करने में क्या डिफरेंस है, आप ये पूछ रहे हो? जी। जी, तो मैंने कहा ना कि अब जो है वो सजदा जो है वो भी इबादत ही कहलाएगी। अच्छा, जी, अब फिर जो रुकू करते हैं तो फिर रुकू क्या है। ये सब इबादत का एक तरीका है। नमाज जैसे इबादत है, उसका एक तरीका है, उसमें रुकू है, सजदा है। ये जो नमाज है वो एक इबादत है, पूजा है, और उसमें ये तरीका है उस पूजा को इस तरीके से करने का। समझ रहे हैं आप? जी जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शकीली खान साहब, आप जुड़े। हम कोई जी मोमिन कॉलर से ही बात कर लेते हैं, आप प्लीज अब स्टूडियो छोड़ दीजिए। एबीजे जुड़े हैं। मोहम्मद अयाज जी, आपका कैमरा ऑन है, तो अगर आप कैमरा ऑन के साथ नहीं आना चाहते हैं तो प्लीज आप कैम को बंद कर ले अपने। एबी साहब, क्या अच्छा आवाज आ रही है आपको? साहिल भाई, जो हमारी यूनिवर्सिटीज है ना, जी उनका ये दावा है, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, कि इसके अंदर शैतान को सजदा करने का हुक्म दिया है। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उनको ले लें, और ये मैंने खोल दिया है, वो साबित करें आके कि इसमें शैतान को कहाँ यार, वो हुक्म बिना है रेफरेंसेस के कि बात सजदा करते हैं करो। ना। ने वो रेफरेंस दे रहे हैं प्राइवेट चैट में, और ये रेफरेंस दे रहे हैं, आप उनको ले लें। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आके सिर्फ ये साबित करें कि इसमें शैतान को सजदा करने का हुक्म कहाँ दिया गया, कहाँ दिया जा रहा है। जी, चलिए, यूनिवर्सिटी आपके वेलकम रिक्वेस्ट है। पे एक मौका दिया जा रहा है, अगर वो दलील के साथ बात करे तो उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा, वरना हमें उनको निकाल कर। मोहम्मद अयाज भाई भी जुड़े हैं। मोहम्मद अयाज साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज, आपका कैमरा ऑन है, अगर आपको कैमरा ऑन के साथ नहीं आना है तो आप कैमरा बंद कर दीजिए। मोहम्मद अयाज साहब जी, यूनिवर्सल जी, ब्यूटी जी, यूनिवर्सिटी यरी 7 की 12 आपके सामने, आप इसको जरा पढ़ के बता दीजिए कि इसमें कहाँ लिखा है ऐसा कि शैतान को हमने काला मा हुक्म दिया या मना जिन को दिया। का अउज बिल्लाह
قال ما منعك اللہ تسجد اذ امرتك, جبکہ میں تجھے حکم دیا تھا. اذ امرتك کا مطلب تجھ کو, امرتك اذ امرتك جبکہ میں تجھے حکم دیا تھا. کس چیز نے تجھے روک دیا؟ قال ما منعك اللہ تسجد سجدے سے. اذ امرتك جبکہ میں تجھے اس کا حکم دیا تھا, تجھے تجھے سنگولر تجھے حکم دیا تھا. تو اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من تین. اس نے جناب خود غرضی اپنی نسل برتری کا اظہار کیا, جیسا کہ دنیا میں آج کر رہے لوگ کہ میری نسل بڑی. تو اس نے کہا میں آگ سے بنا گیا اور یہ تو مٹی سے بنا گیا ہے. بھلے ہی جو نا آدم کو جو نا مجھ سے زیادہ علم ہو, لیکن یہ مٹی سے بنایا گیا ہے, لہٰذا علم کی بنیاد پر تجھے خلیفہ نہیں بنانا تھا. نسل میں آگ سے بنائے جانے کے اوپر جو نا مجھے تو خلیفہ بنانا چاہیے تھا, کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا, میں بڑا ہوں, میں خیر ہوں, اس سے بہتر ہوں. جی ہو گئے آپ کی بات. اذ امرتک آپ جلیبی نہیں بنانا, یہ آنسر ہے آپ کا, خلاص میرے کو اس فیلڈ سے نکال دو. اب نہیں, اب ہم کو بھی تو اپنی بات رکھنے دیجئے نا, آپ کی بات ہم نے پیشنسفلی سن لی. اگر آپ کو جواب صحیح لگا پھر وہی بات. نہیں ہاں, تو ہم آپ کے جواب کو ابھی وہ کریں گے. جب سے جو ریفرنس دلیل ہو رہے تھا, کہاں حکم دیا تھا, کہاں حکم دیا تھا یار؟ سننے کے لیے ہے کان کی نہیں دیے, اوپر والے نے کان وان دیے کہ نہیں دیے, منہ ہی دیا. دوسرا سوال اب آئے گا. ہاں ٹھیک ہے چلو کرو دوسرا. نہیں ایک ہی سوال آئے گا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھ کو کس چیز نے روک دیا, یہی کہہ رہے ہیں آپ, رائٹ ہے؟ ہاں تو تب سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم اللہ نے کہاں دیا ہے, کون سی آیت میں کہا ہے کہ اے جن اے شیطان اے ابلیس سجدہ کر, وہ حکم کہاں ہے میرے بھائی؟ یار میرے کو سسٹم سے نکال دیا, تیرے ایسا بیوقوف کوئی بھی نہیں. چل نکال سسٹم سے نکال. واہ بیوقوف کہاں گا میں آج کی سٹریم چھوڑ کے چلا جاؤں. ہیلو, اور جا کر نمبر 1 کا پرسوں آ کے بولوں. نمبر 1 کا بیوقوف ہے تو. میں نے آپ کو یہ بولا تھا یہ ویڈیو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دینا. مجھے کب بولا ساحل بھائی؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ حکم دیا تھا, لیکن دیا کہاں ہے حکم اس کا کہیں اتا پتا نہیں ہے. قرآن کے اندر آدم کو بنایا یہ بھی بتا دیا, فرشتوں کو حکم دیا یہ بھی بتا دیا, آدم کو پھر شیطان کو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے حکم دیا تھا, لیکن وہ حکم کہاں دیا اس کا کچھ پتا نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. نہیں نہیں, ہیلو, ان سے ایک چیز پوچھنا ہے. ان سے میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو. ہاں جی, ان سے پوچھئے جو بھی ایسا بول رہے, ایک مثال کے طور پہ ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹوڈنٹس کو بولتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جیسے میں یہ سم کمپلیٹ کروں آپ یہ سب لوگ سم کاپی کر لو, اور اس کے بعد یہ بازو والے کلرک کو جو باہر صاف صفائی کر رہا تھا اس کو جا کے مارتا ہے, بولتا ہے تو نے کیوں نہیں لکھا ہے. تو یہ کنٹینیوشن پارٹ ہے نا یہاں پہ, یہ اسی کی مثال ہوتی ہے. بعد میں اس کو لگا دیا کہ میں نے تجھے بھی بولا تھا. نہیں وہی تو بات یہ ہو گئی نا کہ اس کو جا کے سر جا کے بولے کلرک کو کہ میں تیرے کو بھی بولا لکھنے کے لیے. وہی تو بات ہے نا کہ میں تجھے بھی بولا تھا, یا پہلے کیوں نہیں بولا کہ مجھے بولا تھا؟ اب وہی تو سمجھ رہے پوچھے گا اسٹوڈینٹ, یہی تو پوچھے گا سر مجھے کب بولا آپ نے. ہاں مجھے کب بولا تھا آپ نے, تو سوال وہی ہے نا کہ کب بولا تھا, کہاں, جب وہ فرشتوں کے کیٹیگری میں نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں نہیں ہے نا. ہاں بالکل, وہ فرشتے کی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں, اور جب وہ کام ہو گیا اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ اس کو اللہ جو ہے وہ ڈانٹ رہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا, میں نے تو آپ کو بھی حکم دیا تھا. نہیں سر ایک بات اور سنیے, سجدہ نہیں کیا تو اتنا ایگونیس, اتنا کیوں غصہ؟ سوال یہ بھی ہے نا, سجدہ نہیں کیا تو اتنا ایگونیس اور اتنا غصہ کس لیے؟ وہ فطرت انسان کی ہوتی ہے, وہ خدا کے لیے فطرت کیا ہے؟ اس سجدہ نہیں کیا تو نہیں کیا. اب ایگزامپل کے لیے اگر مجھے نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے, اس سے ان کا اتنا بڑا یونیورس کا ماننے والا اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی ایک نے سجدہ نہیں کیا. اچھا شاکر رضا جی 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, یونیورسل بیوٹی 6 سال کی لڑکی سے شادی کریں گے؟ یونیورسل بیوٹی وہ چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں.
अलजेब्रा जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का कॉन्सेप्ट ऐसा जैसे अपने शेडो से एक्स करना। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक बात मैं कह दूं कि चलो ठीक है, उन्होंने अच्छी कोशिश की है ये बताने की कि एक जगह पे तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि अल्लाह ने जो सवाल किया कि मैंने भी तुझे हुक्म तुझे भी हुक्म दिया था तो तूने नहीं किया, तो इससे हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है हुक्म इसको भी था, लेकिन बात फिर वही हो जाती है कि अल्लाह अपनी बात को बताने में काफी एम्बिग्यूटी रखता है। समझ रहे हो समीर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे वो वकास साहब दावा कर रहे थे कि 7 बार जो है आदम की कहानी बताई है, असल में 7 बार नहीं, 11 बार आदम के बारे में जिक्र आया है कुरान के अंदर, बार 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 बार, 2 की 30 में, 2 की 31 में, 32 में, 34 में, 7 की 11 में, 15 की 31 में, 15 की 30 और 31 में, 17 की 61 में, 18 की 50 में, 20 की 116 में, इन जगह पे जो है आदम की कहानी बार बार बताई गई है, लेकिन एक भी आयत के अंदर सारी की सारी जगह आप देखोगे कहीं भी एक भी जगह अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने इबलीस को, शैतान को, जिन को, इजाजाइल को, जैसा कि इस्लाम का इस्लामी अकायद है कि उसका पहले नाम इजाजाइल था, जब उसने सजदा करने से मना कर दिया तो उसको इबलीस कहा गया, तो इसको मैंने कहीं भी सजदा करने का हुक्म दिया, पूरे कुरान में अल्लाह ये बात लिखना ही भूल गया, जहां भी लिखा सिर्फ यही लिखा कि मलाइका को हमने हुक्म दिया सजदा करने का और शैतान ने नहीं किया। यार क्या बात करते हो, तुम हुक्म दे रहे हो कुत्तों को, बिल्ली क्यों करे? तुम बिल्ली को हुक्म दे रहे हो, कुत्ता क्यों करे? अच्छा ये डेंजर मैन कह रहे हैं एक्स मुस्लिम साहिल, जस्ट रियलाइज ही, और ये देखिए हमारे मोमिन भाई है और उनकी उनका जो जबान है वो देख लीजिए, एफ वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड यूनिवर्सल ब्यूटी टोटली डिस्ट्रॉयड देम। यार मैंने ये कहा ना डेंजर मैन जी, आपने पूरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, मैंने यही कहा ना कि कुरान जो है अपनी अल्लाह अपनी बात रखने में इतना एम्बिग्यूटी और अनक्लियर अल्लाह की बातें होती है कि कैसे माना जाए कि एक एक अल्लाह जो है वो इतनी अनक्लियर बात कर सकता है। साहिल भाई मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अल्लाह को गुस्सा क्यों आता है, बस ये जितना लेवल का गुस्सा है उतना गुस्सा क्यों आता है अल्लाह को? ये भी एक वैलिड सवाल है। नहीं मेरा एक ही उनसे पूछिए, ठीक है जो भी मसला है, अल्लाह को गुस्सा क्यों आता है? सही बात है। विकास पैकरे जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सल जी फुल कॉमेडी कर रहे हैं सर, यूनिवर्सल ब्यूटी जो जो है वो कॉमेडी ही करते हैं, जलेबी बनाते हैं, उन्होंने कई सारे बातें की कि फरिश्ते को लगता था कि ये बड़ा ही इबादतगार है, इस पे उन्होंने कोई दलील नहीं दी, तो ये भी आप गौर करिए। अच्छा वो जो मेरा सवाल था कि अल्लाह कह रहा है कि मैं दुरुस्त करूंगा आदम को, तो ये अल्लाह क्या एक ऐसी चीज बनाए थे जो दुरुस्त नहीं थी और उसके बाद वो दुरुस्त कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं हुई थी तो बात इस तरीके से आना चाहिए था कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ये इनकम्प्लीट है, लेकिन वहां पे दुरुस्त वर्ड जो है ये बिल्कुल ही अजीब लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंसानी काम है जो पहले सही से नहीं हुआ था, अब उसको दुरुस्त किया जाए। अलजेब्रा जी कह रहे हैं अल्लाह की 3 बेटियां छीन गई इसलिए गुस्सा है। चलिए हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, ये मोहम्मद अयाज साहब काफी देर से जुड़े हैं। मोहम्मद अयाज साहब आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रही है। चलिए ये हो गए हैं डिस्कनेक्ट। उमेर अली जी आज के लास्ट कॉलर है, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। उमेर अली साहब आपका इस्तकबाल है। हेलो जी उमेर साहब, इस्तकबाल है आपका। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, कैसे हैं आप?
हेलो जी उमेर साहब, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी सर, आ रही है जी, कैसे हैं आप उमेर साहब? सर। ठीक है। अच्छा सर, जी एक बात बताइए, सिर्फ इस्लाम धर्म में गलतियां हैं कि बाकी और धर्म में भी? देखिए उमेर साहब, फिर आप उसी सवाल पे आ गए। आज के टॉपिक पे कुछ है आपके पास? नहीं सर, आज ही के टॉपिक पर बोलना है, अच्छा, आप मुझे और एक आप बात बताइए। बताइए हाँ कि किसी और धर्म में, रिलीजन में गलती होने, अच्छा सर, मान लो आपने है, सुन सच्ची लीजिए रामायण सुन पढ़ा है? लीजिए सुन लीजिए पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए ताकि आपको जवाब मिल जाए, ताकि आप फिर से डिस्कस ना करें, ताकि मुझे आपको निकालना ना पड़े। मैं कह रहा हूं कि थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं कि बाकी रिलीजन में, धर्म में भी गलती है, ठीक है? अब मुझे बताइए कि क्या बाकी रिलीजन में, धर्म में गलती होने से इस्लाम सच्चा साबित हो जाएगा? सर हम तो मानते हैं कि सारे धर्म कूड़ा है। अच्छा, इस्लाम को भी आप रखते हैं? जी सर, हम मानते हैं। चलिए, लेकिन सर बहुत 5 घंटे जबरदस्त की बात डिबेट करना भी एक मुद्दे पर, एक कितना सही है? है। क्यों नहीं सही है? क्या प्रॉब्लम है इसमें यार? जो 5 घंटे की मोमिन है, डिबेट करना सर, 1 घंटे 2 घंटे की कर लीजिए। नहीं तो उसमें जो भाई लोग हमारे आते हैं उनको अगर बात करनी है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है जनाब? सर हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर, आपको तो अदर प्रॉब्लम, धर्म पे भी बोलना चाहिए। और तो डिबेट तो वैसे भी उमेर 2 घंटे की अली होती है, साहब, उनका मैं क्यों इसलिए कह सुनूं? रहा हूं। मेरी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चाहे 5 घंटा स्ट्रीम चलाऊं या 10 घंटा चलाऊं, जिसको इंटरेस्ट होगा 5 घंटा देखने में वो 5 घंटा देखेगा, जिसको 1 घंटा देखने में इंटरेस्ट होगा वो 1 घंटा देखेगा। अगर आपको सिर्फ 1 घंटा देखने में इंटरेस्ट है तो आप 1 घंटा देखिए, उसके बाद का आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपका आके ये कहना आप क्यों चला रहे हो, तो ये तो क्या आपकी यानी जबरदस्ती नहीं है उमेर साहब? नहीं सर, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं सर, हमें ये कहना था कि आपके व्यूवर जो हैं सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं, या मतलब ठीक इस्लाम धर्म है। को नहीं फॉलो करते हैं। मैं इसलिए अच्छा कह एक रहा हूँ कि बात वो भी जाने उमेर, अपने नहीं धर्म के बारे में। नहीं 1 मिनट उमेर अली साहब, जो गैर मुस्लिम है, ठीक है, क्या अगर आज उनको इस्लाम में जो प्रॉब्लम है वो ना मालूम चले, तो कल जैसे कई सारे हमारे क्रिश्चियन भाई, हिंदू भाई जो मुसलमान होके आज ये मानते हैं कि काफिर जो है वो सबसे बदतरीन मखलूक है, इनके साथ जो है वो जिहाद करना चाहिए, या हमारा जो मजहब है वो सबसे ऊंचा है, काफिर जो है या मुशरिक जो है नजस है, क्या कई सारे हमारे हिंदू और क्रिश्चियन भाई इस चपेट में आए या नहीं आए उमेर अली साहब? जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपके बात से हम अच्छा अब एक सहमत बात हैं। बस सर बताइए। हमें यही हाँ आपको बताना नहीं, था, 1 मिनट उमेर अली उसके साहब, अब अलावा आप हमें कोई मेरी 1 मिनट उमेर अली साहब, एक नहीं, मिनट आलोचना करना जरूरी भी है आज नहीं, के समय में, एक लेकिन सर एक मिनट उसके रुकिए साथ ना में थोड़ा बहुत उमेर अली दूसरे साहब, धर्म एक के मिनट बारे में भी रुकिए, बोलना जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है उमेर अली साहब? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, अब देखिए आप खुद कहें कि कई सारे जो गैर मुसलमान हैं वो अनजाने में और ला इल्मी में ये लोग इस्लाम की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त जो है धोखा दिया जाता है इस्लाम को लेकर, एक अच्छी इमेज बताई जाती है। ये नहीं बताया जाता कि ये वन वे एंट्री है, एक बार आप इस्लाम कबूल कर लो उसके बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ोगे तो आपका सोशल बॉयकॉट होगा और इस्लाम तो जो है वो उसको कत्ल करने का हुक्म देता है। तो मेरे भाई, अगरचे इधर जो देखने वाले लोग हैं वो ज्यादा अगर कोई दूसरे मजहब के भी है, तो कम से कम मेरे लिए ये अचीवमेंट होगा कि वो लोग तो इस्लाम में जाने से बच जाएंगे। जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, हम आपके बात से 100% सहमत हैं सर। ठीक और जहां तक है बात सर। है कि बाकी धर्मों में आपको अगर प्रॉब्लम लग रहा है, देखिए मैं बार बार ये चीज कहता हूं, ये चैनल, क्योंकि मैं इस्लाम से निकला हूं तो ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली इस्लाम पे रखा है, एक यानी एक लाइन पकड़ कर चल रहा हूं मैं,
और उसमें मैं यहां से वहां नहीं जाना चाहता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई रिलीजन को इंडोर्स कर रहा हूं या उसको जो है बता रहा हूं कि ये सही है, ठीक है। अगर आप सर, आप लगता एक परसेंट नहीं सुन लीजिए ना, मैं जब मेरा एक लाइन में पकड़ के चल रहा हूं तो मैं उसको आलोचना या मैं उसकी तारीफ क्यों करूं। अच्छा, मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि आपके पास अगर सलाहियत है कि आप सब जितने धर्म है रिलीजन है उस पे आप आलोचना कर सकते हैं दलीलों की रोशनी में, तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और उस पे चलाइए। आप कितने सारे चैनल है आपके जैसे, जी सर आपके बात को मैं सोचूंगा। ठीक है सर, यही बताना था आपको। बाकी सर आप काम करते रहिए, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, हम आपको फॉलो भी करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है उमर अली साहब। ठीक है सर जी। यार ये अब स्ट्रीम क्लोज भी करना है, मोहम्मद अयाज साहब को एक मौका दे देते हैं, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। मोहम्मद अयाज साहब आपका कैमरा ऑन है? यार इनके कनेक्शन में काफी इशू है, क्या मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है? समीर साहब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है एंड शार्प, इनके ही कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मोहम्मद अयाज साहब आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, शायद कुछ नेट आपका ठीक हो जाए। अयाज साहब अपना आप कैमरा बंद कर लीजिए और माइक ओपन कर लीजिए। इनका नेट ज्यादा खराब है साहिल साहब, मेरी तबीयत की तरह। हाँ। और ये जो हमारे एबी साहब है इनका भी इंटरनेट का इशू है, आवाज नहीं आ रही है, हालांकि मैंने इनको तकरीबन 3-4 बार मौका दिया है। अच्छा ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती शुरू में, तो एबी साहब अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, आप एक काम ट्राई कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम अगर यूज कर रहे हैं तो आप उसको हटा उससे निकलकर कोई दूसरा ब्राउजर जो है फायरफॉक्स वगैरह आप यूज करें और उसमें आप आएंगे तो शायद आपका हो जाएगा। साहिल भाई मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये कौन खलील साहब कह रहे हैं या एबी साहब? खलील जी 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 खलील साहब आ रही है आपकी आवाज। एक बात बोलनी थी जी। बिलीव कर लेना सबसे आसान काम है इस दुनिया में, सबसे आसान काम है, लेकिन डिसबिलीवर बनना और रिजेक्ट हो जाना ये सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में। बिल्कुल। तो ये बात तो मैंने नोटिस की है कि हम इतनी आसानी से कोई चीजों को लेते नहीं है और इतने जल्दी उस चीजों को हम बिलीव नहीं करते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, कंटिन्यूस रिसर्च प्रोसेस होता है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद अयाज साहब आपका जो जी, मोहम्मद अयाज साहब का कैमरा ऑन हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए मोहम्मद अयाज साहब। नहीं मोहम्मद अयाज साहब का कनेक्शन जो है, अनम्यूट कर लीजिए मोहम्मद अयाज साहब, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा 1300 लोग देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, शेयर करें। और एक बात बता दूं कि आज की वीडियो से पहले चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने एक 9 मिनट्स की छोटी सी एक वीडियो बनाई है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक बात पर, और मैंने बताया कि किस तरीके से लॉजिक लगाते हैं इस्लाम में या जो मुफ्ती हजरात है। और इसके अलावा अब कल शायद मैं वीडियो बनाऊंगा, मुफ्ती यासिर साहब ने एक लंबी सी स्ट्रीम की अभी कुछ 3 घंटे की, लेकिन प्योर रिसर्च का हवाला उन्होंने उसमें नहीं दिया है, तो उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो मैं कल बनाऊंगा और उसको भी आप लोग देखिएगा और शेयर करिएगा ताकि वो बात मुफ्ती साहब और उनके जितने मानने वाले हैं वहां तक पहुंचे। मेरे ख्याल से मोहम्मद अयाज साहब का जो इंटरनेट है
वो आज साथ नहीं देने वाला, ना ही एबीजी का। और भी लोग आए थे जिनका इंटरनेट नहीं चला है। मैं स्वीटी जी कह रही हैं सबको प्लीज लाइक एंड शेयर। इसके अलावा एक्स मुस्लिम समीर साहब का जो चैनल है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर ले। समीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक टॉपिक लेकर आए और अपनी बात रखी। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई आपका भी कि आपने मुझे प्यार दिया। इसी तरीके से आप टॉपिक बनाते रहिए और हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए आप उसको पेश करते रहिए। खलील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत जल्द इस्लाम के चुंगल से बाहर निकल गए। जी जी शुक्रिया जी, वो तो अगर हम सोचेंगे तो जनरली किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बोलना चाहूंगा एक लास्ट जी, ये अगर इनेनी के खुदा है या नहीं है वो बात अलग की बात है, भी तो शायद हमारे रहने नहने से उसे फर्क नहीं पड़ेगा, हम जैसा जी रहे exactly. हम कैसा जिए। उसकी एक मिसाल बताऊं मैं आपको खलील साहब? जी 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 बताइए जी। उसकी एक मिसाल है कि देखिए जब हम पैटर्न देखते हैं दुनिया में, जब बाढ़ आती है तो वो कोई फर्क नहीं करती है कि इसमें सिर्फ मुसलमान मरेंगे या इसमें सिर्फ हिंदू मरेंगे या इसमें सिर्फ जुल्म करने वाले मरेंगे। जी जी करेक्ट। गौर किया आपने? सभी दोस्तों के लिए भी है ये सोचने वाली बात। जी जी ऑलरेडी वो सब चीजों को सोच के ही बोला हूं मैं। ये तो पूरे यूनिवर्स हमारे जो दर्शक है, हमारे जो दर्शक है वो इस बात पे गौर करें ना कि अगर इन्वॉल्वमेंट होता, अगर कोई खुदा है भी, जैसे कि हम मानते हैं कि हाँ ठीक है हो सकता है कि खुदा है, लेकिन अगर इन्वॉल्वमेंट होता खुदा का तो बाढ़ आती है तो उसमें सभी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, बिल्डिंग गिरती है तो उसमें कई सारे लोग जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं। वो फर्क नहीं करती है रिलीजियन के बुनियाद पे या जुल्म और हक की बुनियाद पे कि एक इंसान जो है वो जालिम है तो सिर्फ वही मरेगा बिल्डिंग के गिरने से, उसमें जी, अच्छे जी, लोग भी मरते हैं बुरे लोग भी मरते हैं। तो ये एक तरीका हमें नजर आता है। और जी, जी, जो उसे कहेंगे तो डिफाइन करेंगे तो द यूनिवर्स लॉ आर केओटिक एंड अनसर्टेन, दिस इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स, केओटिक एंड अनसर्टेन। अनसर्टेन बात जो है ना वो काफी जबरदस्त है, वेरी अनसर्टेन। वही वही बिल्डिंग गिरने में अनसर्टेनिटी एक ये हो जाती है कि उसमें से कोई एक इंसान बच जाता है, खरोच तक नहीं आती है, दैट इज वेरी अनसर्टेन। यूनिवर्स इटसेल्फ अनसर्टेन है सर, ये देखने से मालूम हो जाता है, हर चीज में अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं कि इन्वॉल्वमेंट जो मेरी समझ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं समझता हूं, क्योंकि जो हम देखते हैं उसमें काफी अनसर्टेनिटी है, काफी यानी उसके अलावा कुछ केओटिक भी है। हाँ केओटिक भी है। एग्जैक्टली केओटिक एंड अनसर्टेन। अच्छा ये कई कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम सेलिना गॉट अरेस्टेड, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास जो उनका कॉन्टैक्ट है उस पर मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ से कुछ मैसेज का रिप्लाई आता है या नहीं आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक इससे पहले की स्ट्रीम में ही या इसी स्ट्रीम में शायद उनका कोई मैसेज आया था, मैं ऐसा गुमान कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। लेकिन इस पे मैं ट्राई करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिले तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे समीर साहब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने लोग जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपनी बात रखे आप लोगों ने। उम्मीद है कि कुछ बातें आपकी समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी चैनल ना भूले। अपना ख्याल रखिए
आज की स्ट्रीम क्लोज करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। साहिल भाई जी, समीर साहब आपकी इजाजत हो तो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट छोटी सी रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समीर साहब जी, जैसा कि आज हमने इस मौजू पे बात की है तो हमें इससे साफ पता चलता है कि जहां जहां भी अल्लाह और शैतान की बात होती है कुरान के अंदर, कहीं ना कहीं अल्लाह बड़ा बेबसर मजबूर सा नजर आता है शैतान के मामले में। और आज हमने जाना क्योंकि पूरे कुरान के अंदर कहीं एक तो ना तो इसका जिक्र कर पाया कि उसको हुक्म कहाँ दिया, ना और चीजों की ही वजाहत कर पाया अल्लाह, बस एक अधूरी सी कहानी रख दी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि इस्लाम और इस्लामी तालीम और कुरान अहदीस का ये दावा है कि जितने भी सिनर्स हैं या डिसबिलीवर हैं, यानी जो भी काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते या जो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाते, वो सब के सब इसलिए है कि शैतान ने उनको बहका रखा है और वो शैतान के कब्जे में है और शैतान उनका दुश्मन है। इवन आदम को और शैतान को दुनिया में भेजने का मकसद भी यही बताया गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलेंगे। शैतान उनको बहकाएगा और जो उसके बहकावे से बच के बच चला गया उसको अल्लाह जन्नत देगा। लेकिन इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी कि शैतान को इतना बड़ा एक काम दिया हुआ है ऐसा साबित करने के बाद भी अल्लाह हजारों जगह ये कहता है कुरान के अंदर कि जो डिसबिलीवर्स होंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे और जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानते होंगे, उन सब के लिए दर्दनाक अजाब है, जहन्नम में उनको डाला जाएगा। पर जैसे कि पूरे कुरान के अंदर कहीं अल्लाह ये नहीं कहता कि उसने इबलीस को सजदा करने का हुक्म दिया है, ठीक उसी तरह पूरे कुरान के अंदर अल्लाह कहीं ये भी नहीं कहता है कि शैतान को जहन्नम में डाला जाएगा। ये भी बड़े मजे की बात है। हालांकि कहा कि शैतान के जो फॉलोवर्स हैं उनको डालेगा, शैतान के जो लश्कर है उनको डालेगा, शैतान को जहन्नम में डालने का जिक्र भी पूरे कुरान में कहीं नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है कि अल्लाह शैतान के मामले में इतने जो है ना पर्दे रखता, और इतना शायद ये कह सकते हैं कि बड़ा बचता है शैतान के बारे में कोई चीज क्लियर करने से या उसको सजा के बारे में बात करने से या हुक्म के बात करने से। तो ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सब मोमिनों के लिए, सोचने वाली है कि कैसा इंसान जो सबके गुनाहों का जिम्मेदार है और सबको बहकाता है, वो सब लोग जहन्नम में चले जाएंगे, शैतान को जहन्नम में जाने का कहीं हुक्म नहीं है। तो इसमें भी आप सब अच्छा, लोग कोशिश करें। समीर साहब एक पॉइंट मैं भी आपको बता दूं, आप सोचिए कि आपने वो कहावत सुनी है ना, एक खराब मछली सारे तालाब की मछली को खराब कर देती, इस तरीके का कोई एक कहावत है, सही ना? बिल्कुल सर। तो आप बताइए कि एक खराब मछली वो जो तालाब में डाले तो सबसे पहले गलती किसकी है? डालने वाले की। एग्जैक्टली, बस ये एक चीज जो है हमारे जितने मोमिन भाई है वो इस बात पे गौर कर ले कि सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी उसकी जिसने तालाब में वो खराब मछली डाली। अच्छा, उस डालने वाले को ये भी पता है कि ये मछली वहां पे जाने से सारा तालाब जो है गंदा हो जाएगा या अक्सर तालाब गंदा हो जाएगा, ये मालूम होने के बाद भी अगर डाले तो गलती किसकी है? बिल्कुल क्लियर है, प्रॉब्लम किसका है? दोस्तों जरा ये एक लास्ट आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि जो गुनहगार है या रिस्पॉन्सिबल है वो किसको माना जाए, जिसने तालाब में गंदी मछली डाली उसको माना जाएगा, मछली को माना जाएगा, या जो अच्छी मछली थी उनको माना जाएगा? प्लीज लोगों को शायद मेरा पॉइंट समझ में नहीं आया है, अगर समझ में आ जाए तो आप प्लीज स्ट्रीम क्लोज होने के बाद आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जी देखिए आरजे फ्रीज सोल जी कह रहे हैं मछली डालने वाले को, बिल्कुल
और आजाद सनातनी जी भी कह रहे हैं कि मछली डालने वाले को जिम्मेदार माना जाएगा। बिल्कुल, तो यही चीज जैसे आप समझ जाते हो ना, उस तरीके से अगर हमारे मोमिन भाई भी अगर इस बात को समझ जाए, ये छोटी छोटी मिसालों को, तो बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझने के शुरुआत ही गलत है। वो दुनिया में आने के बाद क्या हुक्म दिया गया क्या नहीं दिया गया, ये तो बाद की बात है। जो कॉन्सेप्ट का जो स्टार्ट हो रहा है वहां पे ही अल्लाह जो है वो जिम्मेदार नजर आ रहे हैं पूरे खेल का, आप खुद समझ जाइए। तो दोस्तों, और ये देखिए रॉयल किंग जी कह रहे हैं अल्लाह ने ही मछली डाला है वो भी पिराना। बिल्कुल। पिराना नहीं, एक्चुअली वेल। कौन सी? वेल, वेल। हाँ, शार्क, शार्क। हाँ, शार्क भी कह सकते हैं। खैर दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और हमारे मोमिन भाई से दरख्वास्त है कि आप लोग हमें नफरत करने के बजाय आप ये देखिए कि जो हमारे एतराज है वो वैलिड है या नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो आप प्लीज उस पर जो है इल्मी जवाब दें, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गुमेंट्स लेके आए, बिना हवाले के आप बोंगिया ना मारे जिस तरीके से यूनिवर्सल ब्यूटी साहब है या वकास खान साहब है या बाकी जो लोग आए थे, और उसी तरीके से जो मुफ्ती यासिर साहब है, बिना हवाले के बोंगिया मारना ये अच्छा नहीं लगता। खास करके जो कोई आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, कम से कम इन पे तो अच्छा नहीं लगता है कि बिना किसी रेफरेंस दलील के आप कुछ भी अपने मर्जी से फेंक मार दो। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आज की स्ट्रीम हम क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समीर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्ट्रीम क्लोज होने के बाद कमेंट बॉक्स में आज की स्ट्रीम के बारे में अपनी राय जरूर रखें। जितने मोमिन भाई जो नए नए लोग आए थे, मुसलमान भाई हमारे, वो जुड़ नहीं सके, वो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में आप जरूर जुड़े। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल भी कोई एक टॉपिक के साथ स्ट्रीम रखी जाए, और उसको मैं इवनिंग से पहले अगर कल होना है तो, क्योंकि आज एक स्ट्रीम हो चुकी है और ओपन लाइव स्ट्रीम रही है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर कल भी हो सके तो मैं स्ट्रीम जरूर रखूंगा। जितने लोगों ने सुपर चैट और सुपर स्टिकर भेजा है आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभरात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभरात्रि, एंड लव यू ऑल गाइस, लव फ्रॉम हार्ट।